महावेश को मोबाइल रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई पावर मिली है, जिसमें वो टेलीपैथी के जरिए अपने करीबी लोगों से बात कर सकता है। महावेश इस पावर को पाकर काफी खुश है। उसके बाद महावेश अपना पुराना फोन एक ड्रॉअर में रखने जाता है, तभी उसका पैर कारपेट में फंसता है और वो लड़खड़ा जाता है। इस वजह से वो पुराना फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। फोन के नीचे गिरते ही वो बुरी तरह टूटकर बिखर जाता है। उसके पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, फोन का कैमरा भी दूर जाकर फेंकता है। भावेश अपने पुराने फोन की ऐसी हालत को देख थोड़ा सा निराश होता है कि उसका पुराना फोन, जिसे वो संभाल कर रखना चाहता था, वो उसकी लापरवाही की वजह से टूट गया। फिर भावेश फोन के पार्ट्स को एक एक कर उठाता है और उन्हें वापस जोड़ने लगता है। सब मिल जाते हैं, बस कैमरा बाकी है जो फिसल कर बिस्तर के नीचे जा चुका है। भावेश बिस्तर के नीचे हाथ डालकर उस कैमरे को निकालता है। भावेश जैसे ही उस फोन के कैमरे को हाथ में लेता है तो तुरंत ही सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, एक कैमरा डिटेक्ट हुआ है, क्या आप उसे डीकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? ये सुनकर भावेश को काफी हैरानी होती है और वो सोचता है, इस कैमरे को डीकंस्ट्रक्ट करके क्या मिलेगा। इससे पहले वाली पावर ने भावेश को सरप्राइज किया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने सिस्टम से कहता है डीकंस्ट्रक्ट। फिर सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और कुछ ही पल में प्रोसेस पूरा हो जाता है और फिर से सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, प्रोसेस कंप्लीट, आपको मिला है नाइट विजन लेवल 0.1, एक्सपीरियंस लेवल 1.19। नाइट विजन पावर के जरिए आप रात में कई छुपी हुई चीजों को देख पाएंगे, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? भावेश नाइट विजन पावर की खूबियां सुनकर काफी अचंभित होता है और उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। फिर भावेश मन ही मन सोचता है, नाइट विजन पावर मैंने फिल्मों में देखा है, नाइट विजन पावर की मदद से अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखता है, ये पावर तो सच में बहुत काम की है, शायद अब मैं इसके जरिए अभिमन्यु के उस लैब में काफी कुछ देख पाऊंगा। और फिर भावेश तुरंत सिस्टम से कहता है, सिस्टम फ्यूज। फिर सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और कुछ ही पल में नोटिफिकेशन आता है, होस्ट प्रोसेस कंप्लीट। सिस्टम के ऐसा कहते ही भावेश की आंखों में से एक नीली कलर की तेज टॉर्च जैसी रोशनी निकलती है। उस दौरान भावेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर कुछ ही सेकंड्स में वो रोशनी गायब हो जाती है और भावेश की आंखें फिर से पहली जैसी हो जाती हैं। सब कुछ हो जाने के बाद भावेश उस पावर को इस्तेमाल करने का सोचता है, तभी उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर काफी अंधेरा नजर आता है और फिर वो तुरंत ही खिड़की से बाहर देखता है। घर के बाहर एकदम अंधेरा है और भावेश को कुछ भी नजर नहीं आता। भावेश काफी हैरान होता है और अपनी आंखों को मलता है और फिर दोबारा उस अंधेरे की ओर देखता है, पर अभी भी उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि नाइट विजन पावर किसी काम की है ही नहीं। भावेश काफी हैरान होता है और सोचता है, नाइट विजन पावर के फ्यूज हो जाने के बावजूद भी मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या सिस्टम से कोई गलती हुई है या फिर कोई और बात है? मुझे शायद बाहर जाकर फिर ट्राई करना चाहिए। भावेश फिर अपने घर के बाहर जाता है। घर से बाहर जाते ही भावेश फिर नाइट विजन पावर का इस्तेमाल करके अंधेरे में देखने की कोशिश करता है, पर उसे रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब भावेश को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो सिस्टम से पूछता है, सिस्टम नाइट विजन स्किल काम क्यों नहीं कर रहा है? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट कुछ पावर ऐसी है जिन्हें आपको सिस्टम को कहकर ऑन करना होगा। सिस्टम के इस नोटिफिकेशन के बाद भावेश को एहसास होता है कि उसे सिस्टम को कहकर नाइट विजन पावर को ऑन करवाना होगा। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम नाइट विजन ऑन करो। भावेश के ऐसा कहते ही नाइट विजन पावर ऑन हो जाता है और भावेश को रात के अंधेरे में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। वो सब कुछ जो अंधेरों के बीच छुपा हुआ है, भावेश को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। कौन इंसान कहाँ जा रहा है, कौन सा जानवर कहाँ से कहाँ घूम रहा है, आसपास कौन कौन से पत्थर कंकड़ या उनके बीच छुपे हुए कोई धातु, यहाँ तक कि दूर से आती हुई कोई गाड़ी भी भावेश को साफ साफ नजर आ रही थी।
भावेश चारों ओर नजर घुमाने लगता है और सब कुछ देखकर बहुत खुश है। तभी अचानक से उसे कुछ दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वह आदमी लगातार भावेश को ही देख रहा है और उसने एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और उसके चेहरे पर मास्क लगा है। भावेश उस आदमी को अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहा था, पर शायद उस आदमी को भनक नहीं थी कि भावेश के पास नाइट विजन है और वो उसे देख पा रहा है। भावेश सोचता है, ये कौन है? क्या ये आदमी मुझे ही देख रहा है? फिर भावेश उस आदमी की ओर बढ़ने लगता है। भावेश को अपने करीब आता देख वो आदमी फिर वहां से भागने लगता है। भावेश फिर तेजी से दौड़कर उसका पीछा करता है। भावेश को ऐसा लगने लगता है कि ये शायद पन्नू है जो उस पर हमला करने आया था। वो आदमी पूरी जान लगाकर दौड़ता है, पर भावेश की रफ्तार के आगे उस आदमी की रफ्तार कुछ भी नहीं है। कुछ पल बाद भावेश उस आदमी को पकड़ ही लेता है। वो आदमी तुरंत ही हाथ जोड़कर भावेश से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं चोरी नहीं करूंगा। भावेश उस आदमी की बात सुनकर एकदम दंग रह जाता है और फिर उसके चेहरे से मास्क हटाकर उस आदमी का चेहरा देखता है। वो पन्नू नहीं है। भावेश को ये जानकर काफी हैरानी होती है। वो आदमी फिर हाथ जोड़कर भावेश से रिक्वेस्ट करता है, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। भावेश उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? वो आदमी थोड़ा डरते हुए बताता है, मैं एक चोर हूँ और मैं इस कॉलोनी में चोरी के लिए ही आया था। भावेश को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्से में उस आदमी से कहता है, तो तुम यहाँ चोरी करने आए थे, अभी मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से सुधारेंगे। तभी वो आदमी फिर हाथ जोड़कर भावेश से रिक्वेस्ट करता है, नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर भावेश को उस पर थोड़ी दया आने लगती है। फिर भावेश उससे कहता है, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, चोरी क्यों करते हो? वो आदमी तुरंत ही भावुक होकर कहता है, मुझे कुछ काम नहीं आता, मैंने कई बार नौकरी करने की कोशिश की पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं चोरी करने लगा। भावेश कुछ पल सोचता है और फिर उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हें काम नौकरी दिलवा दूंगा और साथ ही काम भी सिखा दूंगा, पर तुम वादा करो कि कल से तुम ये चोरी का काम छोड़ दोगे। वो आदमी एकदम से खुश हो जाता है और भावेश के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये चोरी का काम अब कभी नहीं करूंगा। भावेश फिर उससे कहता है, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मुझे होटल रॉयल के बाहर मिलो, और हाँ एक बात याद रखना, ईमानदारी से काम करना, अगर वहाँ तुमने कुछ गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी भावेश से कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं सच में पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करूंगा, ठीक है। फिर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और भावेश अपने घर की ओर वापस आने लगता है। भावेश को कुछ पल बाद महसूस होता है कि सच में उसके पीछे कोई है। भावेश तुरंत ही पलट कर देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। फिर भावेश वापस पलट कर अपने घर की ओर जाता है और तभी भावेश की ओर तेजी से एक पत्थर हवा में तैरता हुआ आता है, और इससे पहले वो पत्थर भावेश के सर से टकराए, भावेश एकदम से उसे पकड़ लेता है। भावेश फिर यहाँ वहाँ देखता है कि पत्थर किसने मारा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। भावेश के मन में ख्याल आता है, मुझे पूरा यकीन है हो ना हो पन्नू यहीं आसपास ही है। भावेश कुछ पल यहाँ वहाँ देखता है पर उसे पन्नू कहीं भी नहीं मिलता। भावेश घर वापस आता है और फिर से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को फोन लगाता है, पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार दोबारा फोन नहीं उठाते। भावेश को टेंशन होने लगती है, आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार कहाँ गायब हो गए? ऐसे तो पहले नहीं हुआ कि वो मेरा फोन नहीं उठाते थे, क्या वो किसी तरह की मुसीबत में है? भावेश फिर ट्रांसमिशन पावर से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की बातों को सुनने की कोशिश करता है, पर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। भावेश काफी तंग हो जाता है और कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई भी आवाज नहीं आ रही है, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो इस शहर से बाहर हैं या फिर किसी मुसीबत में हैं। मुझे उन्हें बताना जरूरी है कि पन्नू मुझ पर नजर रख रहा है, वो दोनों किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं मुझे ये भी जानना है। भावेश इन सब चीजों में व्यस्त था कि तभी उसके फोन पर एक मेल आता है। भावेश तुरंत ही उस मेल को खोल कर देखता है तो ये स्पेस रिसर्च सेंटर से आया है।
उन्होंने भावेश को 10 दिन बाद रिसर्च सेंटर आने के लिए इनवाइट किया है। भावेश के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। एक तरफ भावेश को एक अच्छी खबर मिलती है, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव गायब है। अब भावेश को समझ नहीं आ रहा कि वो इस समय कैसे रिएक्ट करे, खुश हो या दुखी। अगले दिन भावेश सुबह होटल रॉयल आता है। होटल रॉयल के बाहर वही आदमी भावेश का इंतजार कर रहा है। भावेश के आते ही उसे देखकर खुश होता है और तुरंत हाथ जोड़कर उससे कहता है, सर मैं आ गया। भावेश उस आदमी से कहता है, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है सर। अच्छा आपका नाम क्या है, मैं पूछना भूल गया था। दिनेश। फिर भावेश अंजना के ऑफिस की ओर निकल जाता है। अंजना अपने ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रही है, तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर नॉक होती है। अंजना तुरंत ही कहती है, कम इन। भावेश अंदर आता है। अंजना भावेश को देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ओह माय गॉड, द ग्रैंड मास्टर शेफ आज सुबह सुबह यहाँ, आज सूरज कहाँ से निकला है। भावेश अंजना की इस बात पर मुस्कुराता है और फिर कहता है, मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। अंजना भावेश की ओर देखते हुए कहती है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। भावेश तभी अंजना के सामने आते हुए कहता है, मुझे एक आदमी को नौकरी दिलवानी है, क्या आप उसे कुछ काम दे सकती हैं? अंजना तुरंत ही कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्या करता है वो, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका। तभी भावेश थोड़ी हल्की आवाज में कहता है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है उसका, वो एक चोर है, मेरा मतलब था। अंजना ये सुनकर दंग रह जाती है और तुरंत ही भावेश से कहती है, क्या एक चोर और मेरे होटल में। भावेश आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। भावेश फिर तुरंत ही अंजना से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आप मेरी बात मानिए, वो सुधर चुका है, वो पहले चोरी करता था क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था, उसे काम मिलेगा तो वो ईमानदारी से काम करेगा। अंजना नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं भावेश, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, आई एम सॉरी, मैं उसको काम नहीं दे पाऊंगी। अंजना भावेश को एकदम से मना कर देती है। भावेश काफी निराश होता है क्योंकि एक ओर वो उस आदमी को उम्मीद देकर आया था कि वो उसे काम देगा, वहीं दूसरी ओर अंजना ने एकदम से मना कर दिया। फिर भावेश अंजना के पास जाता है और उसे कहता है, अगर वो कोई भी नुकसान करता है तो आप मेरी सैलरी में से काट लेना, चाहे जैसा नुकसान हो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। भावेश की बात पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। और फिर भावेश तुरंत अपनी कार में बैठकर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की तलाश में निकलता है। पर इससे पहले भावेश गाड़ी को होटल से बाहर निकाल पाए, गाड़ी के टायर के फटने की आवाज आती है। भावेश तुरंत उतर कर देखता है तो पीछे के टायर में एक कील लगी हुई है, जिस वजह से वो टायर फट चुका है। तभी कार के पास होटल का एक गार्ड आता है, वो भी टायर को देखने लगता है और भावेश से कहता है, सर ये तो पंचर हो गया है, आप कहें तो मैं मैकेनिक को बुला दूं, वो कार को टो करके ले जाएगा। भावेश के पास कोई और रास्ता नहीं है और वो गार्ड से कहता है, ठीक है पर प्लीज आप उसके साथ चले जाना। गार्ड तुरंत हाँ में सर हिलाता है और फिर भावेश उसे कार की चाबी देकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही भावेश होटल से बाहर कदम रखता है तभी तेज बारिश होने लगती है। भावेश खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागता है और आखिर में जाकर पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। भावेश कुछ पल इंतजार करता है पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। भावेश के मन में ख्याल चलता रहता है, मुझे जल्द से जल्द इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। फिर भावेश वहां से निकल रही टैक्सी को रोकने की कोशिश करता है पर कोई भी टैक्सी भावेश के सामने नहीं रुकती। भावेश कई बार कोशिश करता है पर कोई भी टैक्सी नहीं रुक रही है। भावेश भी परेशान होने लगता है क्योंकि उसका जाना बहुत जरूरी है। तभी भावेश के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से ड्राइवर अपना शीशा नीचे करता है और भावेश से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से दादर जाने के लिए कौन सा रास्ता है। भावेश तुरंत ही कहता है, आप गलत आ गए हैं, दादर जाने का रास्ता तो पीछे ही था। तभी वो आदमी भावेश से कहता है, नहीं नहीं उस रास्ते पर तो पानी भर चुका है, वहां से नहीं निकल सकते, इसलिए हम यहाँ से आए हैं और अब हमें दूसरे रास्ते की तलाश है। तभी भावेश उस ड्राइवर से कहता है, अच्छा तो अब आपको आगे से जाकर राइट लेना होगा,
वहाँ से फिर थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है क्योंकि मार्केट पड़ेगा, फिर वहाँ से 2-3 और टर्न लेना पड़ेगा आपको, फिर आप एक हाईवे की ओर निकल जाएंगे। ड्राइवर थोड़ा सा हैरान सा होता है, तभी भावेश के दिमाग में ख्याल आता है, जिस रास्ते इन्हें जाना है उसी रास्ते पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार का पुलिस स्टेशन भी है, क्यों ना मैं इनके साथ वहां तक चला जाऊं, इन्हें रास्ता भी मिल जाएगा और मुझे मेरी मंजिल। तभी भावेश ड्राइवर से कहता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, मुझे साथ ले चलिए, मैं बीच में उतर जाऊंगा और आपको रास्ता बता दूंगा। भावेश कितना कहते ही वो आदमी एकदम दंग हो जाता है और अपने बगल में बैठे हुए आदमी की ओर देखता है। दोनों ही काफी हैरान से हैं। भावेश उनके जवाब का इंतजार कर रहा है, तभी अचानक कार के पीछे वाली सीट से एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। भावेश वो आवाज को सुनकर तुरंत ही पीछे की ओर देखने की कोशिश करता है, तो पीछे एक लेडी बैठी हुई है, उसके साथ एक आदमी भी है, लेडी की गोद में एक बच्ची है और दोनों मिलकर उस बच्ची को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आती है, शायद वो कार बीच में खड़ी थी। पुलिस उनके पास आने लगती है, तभी ड्राइवर तुरंत भावेश से कहता है, अरे वो बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए रो रही है, आप आइए ना बैठिए। फिर वो भावेश को पीछे ही बिठा लेते हैं और फिर तुरंत ही कार वहां से निकल जाती है। भावेश के बगल में एक आदमी बैठा है और दूसरी ओर उसके साथ एक लेडी है। उस लेडी की उम्र तकरीबन 35 साल होगी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है जो दिखने में 3 या 4 साल की लग रही है। वो बच्ची लगातार रोई जा रही है और वो लेडी अपनी बच्ची को कई बार चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो बच्ची चुप नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लेडी अपनी बच्ची को चुप करवाना जानती ही ना हो। उस बच्ची को इतना रोता देख भावेश उसकी माँ से कहता है, शायद उसे भूख लगी है। पर इस बात पर उस बच्ची की माँ कोई जवाब नहीं देती और ना ही भावेश की ओर देखती है। भावेश को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो बस चुपचाप बैठा रहता है और उस बच्ची की माँ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती है, पर उस बच्ची का रोना शांति नहीं होता। उस कार के सारे शीशे बंद थे और एसी भी नहीं चल रहा था। कार के अंदर काफी लोग मौजूद होने की वजह से वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी और उसी के ऊपर से वो बच्ची बहुत जोर जोर से रो रही थी। सब बार बार उस बच्ची की ओर देख रहे थे, सबको गर्मी में पसीना आ रहा था, पर कोई भी गाड़ी का शीशा नहीं खोल रहा था। फिर भावेश ही अपनी साइड का शीशा खोलने की कोशिश करता है, तभी ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी एकदम से भावेश की ओर देखता है और कहता है, नहीं शीशा मत खोलना। भावेश सुनकर दंग हो जाता है और शीशा फिर बंद कर देता है और फिर ड्राइवर की ओर देखकर पूछता है, क्यों क्या बात है। तभी भावेश के बगल में बैठा आदमी हिचकिचाते हुए कहता है, वो बाहर ठंडी है ना, तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए बंद ही रहने दो। भावेश को उन सभी का व्यवहार काफी अजीब लग रहा था, कोई भी उस बच्ची के बारे में नहीं सोच रहा था, सब अपने ही ख्यालों में खोए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उस बच्ची की फिक्र ही नहीं है। भावेश को उस बच्ची पर बहुत दया आ रही थी, पर उस बच्ची की माँ उसे ज्यादा चुप कराने की कोशिश नहीं कर रही थी। भावेश उस बच्ची को बार बार देखता रहता है और उसके बाद जो होता है उसे देखकर भावेश के होश उड़ जाते हैं। उस बच्ची की माँ गुस्से में 2-3 बार उस बच्ची को उसकी पीठ पर चांटे मार देती है और चुप कराने की कोशिश करती है, चुप हो जा, चुप हो जा। ऐसा करने पर अचानक से बाकी के लोग भावेश की ओर देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। भावेश बहुत दंग था। ये देखकर जो आदमी भावेश के बगल में बैठा था वो तुरंत ही उस बच्चे की माँ को डांटते हुए कहता है, क्या कर रही हो, इसे मार क्यों रही हो, तुम्हें तमीज नहीं है बच्चे को शांत कैसे कराया जाता है। फिर वो आदमी भावेश की ओर देखता है और उससे कहता है, वो नई जगह है ना, तो थोड़ा सा परेशान है बच्ची हमारी, आप फिक्र मत करो, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। भावेश उन सबके व्यवहार को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सबकी निकाहें, उनका व्यवहार, उनका चुपचाप बैठे रहना, सब कुछ हर पल भावेश को बहुत चुभ सा रहा था। वो बच्ची अभी भी रोई जा रही थी। फिर उसकी माँ अपने पर्स से एक लॉलीपॉप निकालती है और उस बच्ची को खिला देती है। लॉलीपॉप खिलाने का तरीका भी बेदर्द था। वो एकदम से बच्ची के मुंह में लॉलीपॉप घुसा कर उसे चुप रहने को कहती है। भावेश को ये भी बहुत हैरान कर देता है। एक पल के लिए भावेश के मन में ख्याल आता है, कैसी माँ है ये,
क्या ये इसकी बच्ची नहीं है? कैसी बेदर्दी से उसके साथ व्यवहार कर रही है। मैंने कभी किसी माँ को अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा। भावेश उस माँ को कुछ पल और देखता रहता है। तभी उसे कुछ और भी चीजें बहुत ही अजीब लगती हैं। उस माँ ने अपनी बच्ची को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था। जिस तरह एक माँ अपनी बच्ची को पकड़ती है तो उसे पता होता है कि कहाँ बच्ची को हाथ लगाकर पकड़ना सही होगा और कहाँ पर बच्ची को पकड़ने पर उसे दर्द होगा। वो सब उस लेली को ठीक से पता ही नहीं था। साथ ही भावेश को एक और चीज नजर आती है। उस बच्ची के एक पैर में चप्पल है, दूसरे में नहीं है। भावेश थोड़ा यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता है पर उसे दूसरी चप्पल नजर नहीं आती। तभी भावेश उस बच्ची की माँ से कहता है, इसकी शायद एक चप्पल गिर गई है। इतना कहते ही उस बच्ची की माँ और उसके बगल में बैठा हुआ आदमी थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। भावेश उन सभी के चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बात क्या है, क्योंकि अगर चप्पल गिर भी गई है तो इतना घबराना क्यों। फिर पहली बार उस बच्ची की माँ के मुंह से कोई शब्द निकलता है और वो भावेश से कहती है, हो सकता है जल्दी में गिर गई होगी। फिर भावेश उस बच्ची को और ध्यान से देखने लगता है तो उसकी नजर बच्ची की पैंट पर जाती है जो कि ठीक से पहनाई नहीं गई है। भावेश को यहाँ भी बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है, ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने बच्ची को ठीक से पैंट पहनाना नहीं आता हो। भावेश इन सब चीजों को ध्यान से देख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, क्या ये सब इस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं? क्योंकि ये औरत इस बच्ची को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, उसे चुप नहीं करवा पा रही है, तो ये उसकी माँ तो नहीं हो सकती। साथ ही यहाँ तीन आदमी बैठे हुए हैं, इन तीनों में से किसी को भी उस बच्ची की फिक्र नहीं है, तो इसका मतलब इन तीनों का भी इस बच्ची से कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि अगर रिश्ता होता तो ये तीनों भी कोशिश करते कि वो बच्ची जल्द से जल्द चुप हो जाए। इन सभी लोगों ने कार के कांच भी बंद कर रखे हैं जिससे बच्ची की आवाज बाहर न जाए, और इन सब के चेहरों पर पसीना भी है। इसका मतलब ये सब घबरा रहे हैं। भावेश के मन में कई सारे ख्याल चलने लगते हैं और उसे कुछ पल बाद यकीन हो जाता है कि ये सब इस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं। भावेश जब इन ख्यालों में था तभी वो ये बात भी महसूस करता है कि वो बच्ची एकदम से चुप हो गई है। फिर भावेश बच्ची की ओर देखता है तो वो उस लॉलीपॉप को मजे से खा रही है और उसका रोना चुप हो चुका है। और जब उसकी माँ उस बच्ची के साथ खेल भी रही है और साथ में वो बगल में बैठा आदमी भी उसके साथ खेल रहा है, वो तीनों खुश नजर आ रहे हैं। भावेश देखकर काफी हैरान होता है। उसके दिमाग में उथल पुथल सी मच जाती है। एक पल उसे ये लग रहा था कि शायद ये सब लोग उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब उसको अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। भावेश खुद से ही कहता है, शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया है, हो सकता है कि इनका अपनी बच्ची को मनाने का तरीका अलग हो। तभी वो ड्राइवर भावेश से पूछता है, यहाँ से कहाँ जाना है आपको? भावेश ड्राइवर से कहता है, बस वो अगले वाले सिग्नल पर उतर जाऊंगा। फिर भावेश बाहर की ओर देखता है। पता नहीं उसके मन में एक अजीब सी खींचतान सी चल रही थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये दोनों इस बच्ची के असली माँ बाप नहीं है। तभी भावेश को ख्याल आता है, क्यों ना मैं ट्रांसमिशन पावर का इस्तेमाल करके इस बच्ची की बात को समझने की कोशिश करूं? हो सकता है उसके मन का कोई ख्याल मुझे समझ आ जाए कि वो क्या चाहती है, वो क्यों रो रही है। फिर भावेश उस बच्ची को देखते हुए अपने ट्रांसमिशन पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर उस बच्ची पर काम नहीं करती। भावेश कई बार कॉन्सेंट्रेट करता है और बार बार उस बच्ची के मन की आवाज को सुनने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। तभी भावेश को ख्याल आता है कि शायद उसका उस बच्ची से कुछ जुड़ाव नहीं है, इसलिए वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसे शायद इस बच्ची के साथ कनेक्शन बनाना होगा। फिर भावेश कुछ पल उस बच्ची को देखता है और फिर मौका मिलते ही उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खेलने लगता है। अले ले ले ले, कितना प्यारा बच्चा है, मेरे साथ खेलोगे? पर वो बच्ची दूसरी ओर मुंह घुमा लेती है, जैसे कि उसे भावेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी उस बच्ची की माँ बोलती है, वो ये अनजान लोगों के पास नहीं जाती।
इसी बीच वो कार भावेश की मंजिल तक पहुंच जाती है और फिर वो ड्राइवर भावेश की ओर देखकर कहता है, लीजिए आपका सिग्नल आ गया। भावेश ये सुनने के बाद दरवाजा खोलता है, पर उसकी नजर अभी भी उस बच्ची की ओर ही है। उसका मन नहीं मानता, पर मजबूरन उसे कार से बाहर निकलना पड़ता है और वो कार का दरवाजा बंद करता है और कार वहां से निकल जाती है। भावेश ने जिस कार से लिफ्ट ली थी वो उससे उतर जाता है और अपनी मंजिल की ओर पलटता है। जैसे ही भावेश कुछ कदम आगे बढ़ाता है, उसे तुरंत ही कुछ दिखाई देता है और भावेश एकदम दंग रह जाता है। भावेश ने उस बच्ची पर अपनी ट्रांसमिशन पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उस बच्ची की याद भावेश के दिमाग में आ गई। उसकी याद में बच्ची किसी और लेडी के गोद में है और वो बच्ची उस लेडी से मम्मी मम्मी कह रही है। आखिर भावेश को जिस बात का डर था वही सच हुआ। उस कार में वो औरत जो उस बच्ची को अपनी गोद में ले थी वो उसकी माँ नहीं है। भावेश तुरंत ही समझ जाता है, इसका मतलब वो सब उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं। भावेश फिर तुरंत उस कार को देखने की कोशिश करता है, पर वो कार अब उससे कहीं दूर जा चुकी है। भावेश तुरंत ही दौड़ते हुए उस ओर जाता है जिस ओर कार गई हुई थी। कुछ दूर जाने के बाद भावेश को एक जगह वो कार खड़ी हुई मिलती है। भावेश वापस तुरंत ही उस कार के अंदर झांक कर देखता है, पर अब वहाँ कोई भी नहीं है। वो सब उस बच्ची को लेकर अब वहाँ से जा चुके हैं। भावेश चारों ओर नजर घुमाता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। भावेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो सब आखिर इतनी जल्दी कहाँ चले गए। भावेश फिर अपनी ट्रांसमिशन पावर से उस बच्ची से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कामयाबी नहीं मिलती। भावेश को उस बच्ची के लिए बहुत टेंशन होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर उन लोगों को कैसे ढूंढे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं दूर निकल जाए। तभी भावेश को वहीं पास में कुछ पुलिस वाले खड़े मिलते हैं। भावेश तुरंत ही उन पुलिस वालों के पास जाता है और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है, सर सर वो बच्ची, कुछ लोग उस बच्ची को किडनैप करके ले गए। पुलिस वाले थोड़ा हैरान है और फिर ऑफिसर पूछता है, कौन सी बच्ची, कैसी दिखती है वो और कौन थे वो लोग, जानते हो तुम? भावेश तुरंत ही नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, पर इतना यकीन है कि उस बच्ची को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं और वो कार जो आप वहाँ देख रहे हैं वो सब उसमें भागे थे और अब उस कार को छोड़कर कहीं और भाग गए। तभी ऑफिसर कार के पास जाते हैं और अच्छे से उसे चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे भावेश की किसी भी बात की पुष्टि हो सके और वो फिर भावेश से कहते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? भावेश थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, आप ही कैसी बात कर रहे हैं, आपको ये मजाक लग रहा है? तभी इंस्पेक्टर थोड़ा गुस्से में भावेश से कहते हैं, ना तुम उस बच्ची को जानते हो ना उसके बारे में कुछ पता है, तुम्हें कैसे यकीन है कि ये लोग उसे किडनैप करके ले जा रहे थे, तुम बस हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तभी भावेश ऑफिसर से कहता है, नहीं सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद देखा है कि कैसे वो लोग उस बच्ची को लेकर जा रहे थे, बस मुझसे समझने में देर हो गई, प्लीज आप लोग जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उस बच्ची को लेकर कहीं दूर निकल जाएं। मैंने जो देखा वो मैं आपको बता सकता हूँ, चार लोग हैं वो, तीन आदमी हैं और एक लेडी है, उस लेडी ने ही पकड़ा हुआ है उस बच्ची को जो कि लगभग 3 साल की होगी। उसने एक आदमी ने सफेद कलर की शर्ट पहनी है, दूसरे ने ब्लू और तीसरे ने धारी वाली क्रीम शर्ट पहनी हुई है और वो जो लेडी है उसने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी हुई है। प्लीज सर उन्हें जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए, शायद वो लोग मिल जाएं। ऑफिसर्स को अभी भी भावेश की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। भावेश से सब्र नहीं हो रहा था, उसे डर था कि कहीं उस बच्ची को कुछ हो ना जाए, उस तक पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वो सारे ऑफिसर्स कोई एक्शन नहीं लेते। फिर भावेश उनके पास जाता है और कहता है, शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, मेरी इंस्पेक्टर सूर्यकुमार यादव जी से बात करवाइए, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी जरूर मदद करेंगे। जैसे ही ऑफिसर इंस्पेक्टर सूर्यकुमार का नाम सुनते हैं वो तुरंत ही कहते हैं, क्या तुम सीनियर इंस्पेक्टर सूर्यकुमार यादव जी को जानते हो? भावेश हां में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए आप लोगों से मदद मांग रहा हूँ, आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो नादान बच्ची बच सकती है, पता नहीं उसके माँ बाप कहाँ हैं, पर हम फिर भी उस बच्ची को बचा सकते हैं। जब ऑफिसर्स को भावेश की बात पर विश्वास हो जाता है और वो तुरंत ही अपने वायरलेस पर एक मैसेज डालते हैं, अटेंशन अटेंशन ऑल यूनिट्स, चार लोगों की तलाश है जिनके पास एक बच्ची है, उनमें से एक ने सफेद शर्ट पहनी है, दूसरे ने नीली कलर की शर्ट पहनी है और तीसरे ने धारी वाली क्रीम शर्ट पहनी है और उनके साथ जो लेडी है उसने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी हुई है, उनके साथ में 3 साल की बच्ची है जिन्हें वो किडनैप करके भाग रहे हैं,
वो अभी अभी बांद्रा इलाके से निकले हैं। बांद्रा इलाके के सारे कोने कोने छान मारो, लोकल स्टेशन, बस स्टॉप, सभी जगह देखो, वो बच के नहीं निकलने चाहिए। तभी वहाँ कोई लोकल रिपोर्टर भी मौजूद था, उसे भी एक मौका नजर आता है और वो तुरंत अपने कैमरामैन के साथ भावेश का इंटरव्यू लेने उसके पास जाता है। रिपोर्टर भावेश के सामने माइक बढ़ाकर उससे पूछने लगता है, आप अभी अभी पुलिस वालों के पास अपनी कोई कंप्लेंट लेकर आए हैं, क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं कि आपने क्या देखा और क्या हुआ है? भावेश रिपोर्टर को देखकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है और जाने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है, अगर मैं न्यूज पर सब कुछ बता दूं तो हो सकता है उस बच्ची के माता पिता को पता चल जाए कि हम उनकी बेटी की तलाश कर रहे हैं। भावेश फिर पलटता है और रिपोर्टर से पूछता है, क्या ये टीवी पर आएगा? रिपोर्टर तुरंत ही कहता है, हाँ ये टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा, आप कहें तो मैं अभी इंटरव्यू शुरू करता हूँ। भावेश कहता है, ठीक है। फिर रिपोर्टर भावेश का इंटरव्यू लेता है और कैमरे में देखते हुए कहता है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आज आपके सामने एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आए हैं और इसको बताने के लिए हमारे साथ भावेश जी हैं। तो भावेश जी, अभी अभी आप इंस्पेक्टर साहब के पास एक कंप्लेंट लेकर आए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कंप्लेंट क्या है? भावेश तभी रिपोर्टर के सवालों का जवाब देता है, आज मैं जब एक कार में लिफ्ट लेकर आ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि उस कार में बैठे चार लोग एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं। हालांकि उस समय मुझे यकीन नहीं था, पर जब मैं कार से उतरा तब मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिससे मुझे यकीन हो गया कि हाँ, वो सच में उस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे थे। और जब तक मैं उन तक पहुंच पाता, उन्होंने अपनी कार को यहीं छोड़ दिया और यहाँ से कहीं भाग गए। वो बच्ची लगभग 3 साल की है। हम अभी तक उस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर उसके माता पिता हमें सुन पा रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं और पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी टीम मिलकर आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम आपकी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। बस आप जल्द से जल्द पुलिस थाने में कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हमें उस बच्ची की फोटो की जरूरत है। फिर रिपोर्टर भी अपनी ऑडियंस से कहता है, अगर आपने हमारी बात सुन ली है और आप जानते हैं कि वो बच्ची कौन है तो जल्द से जल्द अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए। आपकी जल्दी करने से हमारी बहुत मदद होगी, धन्यवाद। फिर रिपोर्टर भावेश से कहता है, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, देखना वो बच्ची जरूर बच जाएगी। फिर भावेश उस रिपोर्टर को थैंक यू बोलता है और फिर से पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं, भावेश मेरी टीम उन्हें ढूंढने में लग गई है और हम इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ सुराग मिलेगा हम आपको खबर कर देंगे। सब कुछ सुनने के बाद भी भावेश से सब्र नहीं हो रहा था, वो जल्द से जल्द बच्ची को बचाना चाहता है। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि पुलिस वाले पूरी मेहनत से उस बच्ची को नहीं ढूंढ रहे हैं, इसलिए फिर भावेश खुद ही इस बच्ची को ढूंढने निकल जाता है। भावेश की न्यूज घर घर तक पहुंच जाती है। सभी लोग कुछ ही मिनटों में ये बात जान जाते हैं कि किसी बच्ची का अपहरण हुआ है। यहाँ तक कि भावेश के माता पिता भी भावेश को न्यूज पर देखकर दंग हो जाते हैं और उन्हें भावेश की फिक्र होने लगती है। पर भावेश के पिता भावेश की माँ को समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत समझदार है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। अंजना भी होटल में भावेश की न्यूज देखती है और वो भी काफी हैरान हो जाती है और सोचती है, ये लड़का हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आता है। भावेश खुद ही उस इलाके में उस बच्ची को ढूंढने लगता है। उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा था, तभी भावेश को याद आता है कि उसने एक बार संजना को भी ढूंढा था, जहां उसने अपनी स्निफिंग पावर का यूज किया था। भावेश को याद आ जाता है कि वो स्निफिंग पावर का यूज करके शायद उस बच्ची को ढूंढ सकता है। और फिर वो तुरंत ही उस कार के पास वापस जाता है और उस बच्ची की महक को अपने दिमाग में फीड करने लगता है। उसके बाद ही भावेश की स्निफिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो तुरंत ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाता है। भावेश को उस बच्ची की खुशबू एक घने बाजार की ओर ले जाती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। उस भीड़ में भावेश को एक एक कदम रखना मुश्किल हो जाता है, पर भावेश रुकता नहीं है और उस खुशबू का पीछा करता रहता है। भावेश उस भीड़ को खुद से दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। कई लोग उससे टकरा रहे हैं, कुछ लोगों का सामान भी गिर जाता है और वो भावेश का कॉलर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर भावेश उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ता जाता है। भावेश को इस समय एक अलग ही जुनून सवार था, वो किसी की नहीं सुनता, बस आगे चलता जाता है। उस बच्ची की खुशबू भावेश को एक ऐसे मोड़ तक ले आती है जहां पर रास्ता बिल्कुल बंद है। भावेश देखकर दंग रह जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर जब उस बच्ची की खुशबू यहां तक आ रही है तो वो लोग यहां से कहां गायब हो गए।
भावेश फिर यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे नीचे से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है और उस आवाज के साथ ही भावेश को एहसास होता है कि वो जिस पुल पर है उसके नीचे एक स्टेशन है। इसका मतलब उस बच्ची की खुशबू नीचे से आ रही थी जो उस ब्रिज के कॉर्नर में आकर रुक गई। भावेश को समझ आ जाता है कि वो लोग लोकल ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। भावेश तुरंत ही उस ब्रिज से उतरकर नीचे स्टेशन की ओर भागता है। वहीं दूसरी ओर पूरे इलाके में पुलिस उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि वो चार लोग हैं और उनके हाथ में एक बच्ची है। वो पुलिस के हाथ तभी लग सकते हैं जब वो चारों एक साथ हों। अगर वो अलग अलग भी घूम रहे हों तो शायद पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाएंगे। पुलिस को उस बच्ची की फोटो की बहुत जरूरत है, उसके बिना शायद वो उस बच्ची को नहीं बचा पाए। सब अपने अपने तरीके से उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो न्यूज रिपोर्टर हर पल इस केस को रिपोर्ट कर रहा है और उस बच्ची के माँ बाप तक पहुँचने की कोशिश भी कर रहा है जिससे उस बच्ची की फोटो मिल सके। पर आधा घंटा बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। भावेश जैसे ही स्टेशन पर आता है उसे फिर से उस बच्ची की खुशबू मिलने लगती है। भावेश तुरंत ही उस खुशबू के पीछे भागता है। तभी स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन आती है और उसमें से कई लोग उतरने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ जाने के कारण भावेश की रफ्तार रुक जाती है और वो लोगों से टकराने लगता है। इसी बीच उस बच्ची की खुशबू अचानक से कम होने लगती है। भावेश को टेंशन होने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ पल की जद्दोजहद के बाद भावेश उस भीड़ से निकलकर उस खुशबू की ओर बढ़ता है और जहां से वो खुशबू आ रही थी वहां पहुंच जाता है। वो एक कोना है जहां उस बच्ची के कपड़े पड़े हुए हैं। भावेश देखकर दंग रह जाता है। आखिर वो लोग उस बच्ची को लेकर कहां गायब हो गए। भावेश पूरी लोकल रेलवे स्टेशन में उन किडनैपर्स को ढूंढता है। वहां खड़ी सारी लोकल ट्रेन्स में चेक करता है, पर वो अकेले इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जगह कैसे देख सकता है। इतने में वहां से वो दोनों लोकल ट्रेन निकलने लगती हैं। भावेश को हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं वो किडनैपर्स इन दोनों लोकल्स में से किसी एक लोकल में बैठकर निकल ना जाए। जैसे जैसे वो दोनों लोकल ट्रेन्स निकलती हैं, भावेश को यही महसूस हो रहा है कि वो बच्ची उसके हाथों से निकल रही है। उस स्टेशन के बीचों बीच भावेश एक जगह बेसहारा सा खड़ा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो पुलिस ऑफिसर भावेश के पास आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ भावेश, तुम अचानक से यहाँ भागते हुए क्यों आ गए? हमने तुम्हें सीसीटीवी कैमरा में देखा, क्या तुम्हें कुछ मिला है? भावेश निराशा के साथ ना में सर हिलाते हुए कहता है, उम्मीद थी मुझे कि मिल जाएगा, पर शायद अब वो लोग बहुत दूर निकल चुके हैं। तभी ऑफिसर भावेश से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, उसके माता पिता ने हमें कांटेक्ट कर लिया है और हमें उस बच्ची की फोटो मिल गई है। अब तक वो फोटो मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी होगी। तुम चिंता मत करो, हम उस बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। मायूसी भरे माहौल में भावेश को एक अच्छी खबर मिलती है जो भावेश के अंदर उम्मीद जगाती है कि शायद वो बच्ची अब जल्द से जल्द मिल जाएगी। फिर भावेश ऑफिसर के साथ स्टेशन से बाहर जाने लगता है। भावेश के मन में यही ख्याल चल रहा था, इतनी पावर होने के बाद भी मैं उसे एक बच्ची को नहीं बचा पाया, अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि वो बच्ची सही सलामत अपने घर वापस आ जाए। भावेश दुखी मन के साथ स्टेशन से बाहर जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसके दिमाग में फिर से एक याद नजर आती है। वो उस बच्ची की याद है। वो बच्ची अभी भी बुरी तरह रो रही है और वो किडनैपर्स उसे लेकर रेलवे ट्रैक पर भाग रहे हैं। भावेश देखकर दंग रह जाता है और वहीं रुक जाता है। भावेश को इस तरह हैरान देख ऑफिसर भावेश के पास आते हैं और पूछते हैं, भावेश क्या हुआ? भावेश हैरानी के साथ ऑफिसर से कहता है, वो लोग कहीं गए नहीं है, यही है। इंस्पेक्टर भावेश की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी भावेश ऑफिसर से कहता है, सर वो यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, वो रेलवे ट्रैक पर भाग रहे हैं, मैंने खुद देखा है उन्हें। इंस्पेक्टर भावेश की बात सुनकर काफी हैरान है और वो हैरानी के साथ पूछते हैं, तुमने देखा, क्या मतलब? तभी भावेश को एहसास होता है कि उसने गलत बात बोल दी, पर ये वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। भावेश तुरंत ही ऑफिसर से कहता है, सर वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी प्लीज अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर चलिए, वो लोग रेलवे ट्रैक पर ही भाग रहे हैं। ऑफिसर भावेश की बात मानकर तुरंत ही अपने वायरलेस पर अपनी टीम से बोलता है कि रेलवे स्टेशन के चारों ओर फैल जाओ और रेलवे ट्रैक पर ढूंढो। भावेश भी ऑफिसर के साथ रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ने लगता है।
कुछ ही पल में भावेश और ऑफिसर्स रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। बाकी की पुलिस टीम भी उसी रेलवे ट्रैक पर है। ऑफिसर फिर भावेश से पूछते हैं, तुमने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा है? भावेश तभी सोचकर बोलता है, मुझे ये तो ठीक से नहीं पता कि वो लोग किस तरफ हैं, पर इतना पता है कि वो रेलवे ट्रैक पर ही हैं। फिर वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करके दो टीम में बट जाते हैं। एक टीम राइट साइड निकल जाती है और दूसरी टीम जिसमें भावेश भी है वो लेफ्ट साइड निकल जाते हैं। दोनों टीम्स पूरी जोर लगाकर उस ट्रैक पर दौड़ रही हैं और उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। पर दूर दूर तक दोनों टीम्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों टीम्स लगभग 2 से 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगा लेती हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। भावेश के साथ जो ऑफिसर है उनके वायरलेस पर दूसरी टीम को मैसेज आता है, सर हमें कुछ भी नहीं मिला। तभी ऑफिसर भावेश से कहते हैं, भावेश तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो लोग यहाँ नहीं है, चलो हम कहीं और देखते हैं। पर भावेश का मन नहीं मानता और वो ऑफिसर से कहता है, सर आप लोग जाइए, मैं यही रहूंगा। ऑफिसर हैरानी से कहते हैं, भावेश हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तुम ही उन चारों को पहचान सकते हो। तुम चलकर स्केच आर्टिस्ट से उन चारों का स्केच बनवाओ, फिर शायद हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाएंगे। पर फिर भी भावेश का मन नहीं करता और वो ऑफिसर से कहता है, प्लीज सर आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दे दीजिए, फिर मैं वहां आकर स्केच बनवा दूंगा। अफसर को गुस्सा आने लगता है कि भावेश उनकी एक भी बात नहीं मान रहा है, बस अपनी मनमानी किए जा रहा है। वो गुस्से से अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाते हैं और भावेश को वहीं छोड़ देते हैं। भावेश हैरानी के साथ चारों ओर देखता है और खुद से कहता है, जब उस बच्ची की याद में वो लोग इसी रेलवे ट्रैक पर भाग रहे थे तो आखिर वो गए कहां? क्या ट्रांसमिशन पावर ने मुझे धोखा दिया है? नहीं नहीं, ट्रांसमिशन पावर मुझे धोखा नहीं दे सकता, कुछ तो है। मैं फिर से उस बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। भावेश आंख बंद करके उस बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। भावेश गुस्से के साथ एक बार अपना पैर पटकता है और कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना ही उस बच्ची की कोई महक आ रही है और ना ही उसकी किसी मेमोरी से कॉन्टेक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी भावेश तुरंत ही अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं ना उसकी महक पकड़ पा रहा हूँ और ना ही ट्रांसमिशन पावर इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी तुरंत ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम भावेश से कहता है, होस्ट ऐसा तभी हो सकता है जब वो शख्स किसी हैवी सिग्नल ट्रांसलेशन वाली जगह पर हो, तब सिस्टम के कुछ पावर्स काम करना बंद कर देते हैं, पर ऐसा सिर्फ लो लेवल पर ही होता है, हाई लेवल पर नहीं। सिस्टम की इस बात पर भावेश तुरंत ही सब समझ जाता है, इसका मतलब वो लोग किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पर बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं। सिग्नल ट्रांसलेशन का मतलब वो कोई मोबाइल टावर हो सकता है या कोई सैटेलाइट टीवी टावर। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम आसपास सर्च करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ कोई मोबाइल टावर या टीवी टावर टाइप है? सिस्टम तुरंत ही एनालाइज करता है और फिर भावेश को उसका नोटिफिकेशन आता है, होस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। भावेश जैसे ही ये सुनता है वो तुरंत ही आउट साइड की ओर दौड़ लगा देता है। कुछ ही पल में भावेश उस मोबाइल टावर के पास आ जाता है। वहाँ एक मोबाइल कंपनी का छोटा सा ऑफिस भी है। भावेश जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसे फिर से उस बच्ची की महक आने लगती है। भावेश की आंख एकदम बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे फिर से एक उम्मीद जागती है कि वो बच्ची वहीं आसपास ही है और वो सही रास्ते पर जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढना। भावेश को वो महक मोबाइल कंपनी की बिल्डिंग के पीछे वाली गली में ले जाती है। उस गली में कई सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कई लोग वहां बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका सा लग रहा है। उस इलाके में उन लोगों के बीच उस बच्ची को ढूंढना खुद में ही बहुत बड़ा चैलेंज था, पर भावेश को तो उस बच्ची को ढूंढने का भूत सवार था। वो अपनी स्निफिंग पावर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता जा रहा है और उस बच्ची की खोज उसे एक छोटी सी झोपड़ी के पास ले आती है। उस झोपड़ी में से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। भावेश को पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही बच्ची है। भावेश तुरंत झोपड़ी के अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी दो आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये वही दो आदमी है जो कार में आगे बैठे हुए थे। वो आदमी जो ड्राइवर सीट पर था वो भावेश को देख कर कहता है, तुम यहाँ तक पहुँच गए, चलो अब आ गए हो तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। दूसरा वाला आदमी एक बड़ा सा धारदार हथियार निकालता है और भावेश की ओर बढ़ने लगता है। भावेश कुछ कदम पीछे लेता है,
तभी दो लोग और आ जाते हैं जो भावेश को पीछे से घेर लेते हैं। उन दोनों के हाथों में भी धारदार हथियार है। भावेश की नजरें उन चारों पर हैं। उस गली में और भी लोग हैं जो ये सब देखकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वहां एकदम से सन्नाटा सा हो जाता है और वो चारों भावेश को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। भावेश अचानक से मुस्कुराने लगता है। ये देखकर उनमें से एक गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मौत से पहले मुस्कुराना अच्छी बात है, भगवान के पास हंसते हंसते जाओगे। ये सुनकर भावेश और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, देखते हैं आज भगवान के पास कौन जाता है, तुम जाते हो या मैं। तभी वो आदमी गुस्से से भावेश को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर भावेश एक बार में ही उस आदमी को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है। भावेश का ये कारनामा देखकर बाकी के तीनों आदमियों के पसीने छूट जाते हैं और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर भावेश पर हमला करें। भावेश उन तीनों को देखता रहता है और इशारा करता है, आओ। वो तीनों आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही भावेश पर हमला करने की। कुछ ही पल में वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं। फिर भावेश अंदर जाता है और देखता है कि वो बच्ची जमीन पर लेटी हुई है और उसके मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। भावेश ये देखकर दंग रह जाता है और तुरंत ही बच्ची का मुंह खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में ही वो लेडी पीछे से भावेश के सर पर तेज डंडा मारती है, पर वो डंडा भावेश के सर से टकरा कर टूट जाता है और भावेश को कुछ भी नहीं होता। भावेश फिर गुस्से में पीछे देखता है। वो लेडी थोड़ा डर जाती है और फिर भावेश उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर इससे पहले भावेश कुछ कर पाए वो लेडी डर कर बाहर भाग जाती है। फिर भावेश तुरंत जाकर उस बच्ची के मुंह से वो कपड़ा निकालता है और फिर से उस बच्ची की रोने की आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। भावेश तुरंत ही उस बच्ची को लेकर वहां से निकलता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर काफी गुस्से में बैठे हैं और बार बार हवलदार से पूछ रहे हैं, क्या आया वो कि नहीं, पर हवलदार बस एक ही जवाब दे रहा है, अभी नहीं साहब। फिर ऑफिसर गुस्से में अपने टेबल पर एक हाथ मारते हैं और कहते हैं, कहा तो वो एकदम से उस बच्ची की मदद के लिए पागल हुआ जा रहा था और अब खुद ही यहाँ नहीं आया, स्केच आर्टिस्ट कब से वेट कर रहा है। इंस्पेक्टर गुस्से में भावेश का इंतजार कर रहा था, तभी हवलदार चिल्लाकर कहता है, साहब वो आ गया। इंस्पेक्टर तुरंत सामने देखते हैं, भावेश दरवाजे पर खड़ा है और बच्ची उसके हाथ में है। इंस्पेक्टर ये देखकर दंग रह जाते हैं। बाकी के ऑफिसर्स भी काफी हैरान हैं और सब भावेश की ओर बढ़ते हैं। तभी पीछे से उस बच्ची के माता पिता भी आ जाते हैं और माँ के मुंह से उस बच्ची का नाम निकलता है, लाली बेटा। भावेश तुरंत ही पीछे पलटता है और देखता है कि बच्ची के माता पिता खड़े हुए हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। भावेश जाकर उस बच्ची को उसके माँ बाप के पास सौंप देता है। वो माँ बाप अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश होते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। फिर बच्ची के पिता हाथ जोड़कर भावेश के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम भगवान बनकर हमारी मदद के लिए आए और हमारी बच्ची को बचा लिया, हम तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकते हैं, हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ करना चाहते हैं। भावेश उनके हाथ पकड़ता है और कहता है, ये मेरा फर्ज था, मैं कैसे किसी को अन्याय करते हुए देख सकता हूँ, आप लोग अब इसे ले जाइए, ये बहुत कमजोर हो चुकी है। फिर बच्ची की माँ भी भावेश का हाथ पकड़कर उसे चूमती है और शुक्रिया कहती है और फिर माता पिता अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर भावेश ऑफिसर की ओर मुड़ता है और कहता है, सर सॉरी, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं वहाँ से जाऊँ। ऑफिसर भावेश के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं भावेश, तुमने जो किया उसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारा एहसानमंद है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, अगर तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत हो तो हमसे कभी भी बेझिझक मदद मांग सकते हो। भावेश सुनकर खुश होता है और ऑफिसर से हाथ मिलाता है। तभी भावेश को याद आता है कि उसे इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को ढूंढना है और उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। भावेश अपनी चालाकी और पावर्स का इस्तेमाल करके उस बच्ची को किडनैपर्स के चंगुल से बचा लेता है और फिर से अपने मिशन की ओर निकल जाता है। फिर भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के पुलिस स्टेशन पर आता है और उनके साथ रहने वाले सब इंस्पेक्टर से मिलता है। सब इंस्पेक्टर परेशान से फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। भावेश उनके फोन रखने का इंतजार करता है और जैसे ही वो फोन रखता है
भावेश तुरंत ही उनसे कहता है, क्या आपने इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव जी को देखा है? मैं उन्हें 2 दिन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उनसे कोई भी बात नहीं हो पा रही है। सब इंस्पेक्टर थोड़ा परेशान से नजर आ रहे हैं और थोड़ी दुखी सी आवाज में कहते हैं, हमें भी पता नहीं है कि वो 2 दिन से कहाँ हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, उनके घर पर फोन लगाया, उनके जानने वालों को फोन लगाया, जहाँ भी उन्हें ढूंढ सकते थे वहाँ देख लिया, पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। भावेश सुनकर दंग रह जाता है। उसके मन में तभी ख्याल आता है, जिस बात का डर था वही हुआ। तभी भावेश सब इंस्पेक्टर से कहता है, पर उनका फोन तो बज रहा है। तभी सब इंस्पेक्टर अपनी पॉकेट से इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव का फोन निकाल कर दिखाते हैं और कहते हैं, परसों की रात वो अपना फोन यहीं छोड़कर गए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हमने सारे सीसीटीवी भी देख लिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एकदम से हवा में उड़ गए हों। भावेश समझ जाता है कि जरूर उन्हें किसी ने अगवा किया है और वो एक बड़ी मुसीबत में है। फिर भावेश पुलिस स्टेशन के बाहर आता है। उसके मन में कई सारे ख्याल चल रहे हैं। भावेश को बार बार लग रहा है कि इंस्पेक्टर के गायब होने में पन्नू का हाथ है, और फिर आखिर में उसके मन में आता है कि शायद उसे पन्नू से मिलने जाना ही पड़ेगा। भावेश के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, पर अब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को बचाने के लिए यही आखिरी रास्ता है। भावेश अपना फोन निकालता है और पन्नू को फोन लगाता है। पन्नू तुरंत ही फोन उठा लेता है और भावेश उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, मैं तुमसे अभी कभी मिलना चाहता हूँ। पन्नू भावेश को उसी जंगल के पास बुलाता है जहाँ एक बार पन्नू गायब हो चुका था। भावेश बिना वक्त गवाए उस जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद भावेश उस जंगल के पास पहुंच जाता है। अभी वहाँ पन्नू नहीं आया है। भावेश वहाँ पन्नू का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से जंगल की ओर से कोई आवाज आने लगती है, साथ ही सारे पेड़ एक साथ हिल रहे हैं। भावेश देखकर काफी हैरान होता है। बार बार चारों ओर घूमते हुए देखता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर भावेश तेज आवाज लगाता है, पन्नू अगर तुम हो तो मेरे सामने आ जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। भावेश कितना कहते ही अचानक से चारों ओर एक हंसी की आवाज गूंजने लगती है। भावेश फिर चारों ओर देखता है। उसकी निगाहें पन्नू को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और कुछ पल के इंतजार के बाद पन्नू जंगलों के बीच से निकलता हुआ उसके सामने आता है और उससे कहता है, सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी मिलने बुलाओगे। कौन अपनी मौत के पास खुद चलकर आता है। खैर अब आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा ही तुम्हें। महावीर पन्नू से बात करने के मूड में नहीं है। वो सीधा ही उससे पूछता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार कहाँ है? पन्नू थोड़ा सा हैरानी जताते हुए भावेश से कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार, मेरे जैसे क्रिमिनल का एक पुलिस वाले से क्या वास्ता, जहाँ होने चाहिए वो वहाँ होंगे। तभी भावेश पन्नू से गुस्से में कहता है, बातें मत घुमाओ, मैं जानता हूँ तुमने ही उन्हें किडनैप किया है, बताओ क्या चाहते हो तुम, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इंस्पेक्टर को छोड़ दो। तभी पन्नू एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, वाह आज मेरी सारी मुरादें कबूल हो जाती, पर अफसोस इंस्पेक्टर सूर्य कुमार मेरे पास नहीं है, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भावेश को यकीन नहीं हो रहा था कि पन्नू ने इंस्पेक्टर को किडनैप नहीं किया है, और पन्नू की बातों से तो यही लग रहा था कि उसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भावेश सोचने लगता है, अगर पन्नू ने उन्हें किडनैप नहीं किया है तो आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार गए कहाँ। भावेश इन ख्यालों में डूबा था, तभी अचानक से पन्नू तेजी से उसके पास आता है और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसका गला दबाने लगता है। भावेश की सांसें रुकने लगती है। पन्नू भावेश को इस हालत में देखकर मुस्कुरा रहा है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था यहाँ से बचकर निकल जाओगे? ऐसे मौके का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ भावेश, और आज तुमने खुद ही मुझे ये मौका दे दिया। पन्नू पूरी ताकत के साथ भावेश का गला दबाता है। भावेश की सांसें रुक रही हैं। वो इस हालत में भी नहीं है कि अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करके पन्नू को रोक ले। तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक पन्नू भावेश का गला दबाए रहता है, और भावेश लगभग मौत के करीब पहुंचने ही वाला है कि भावेश की आंखें बंद हो जाती हैं और शरीर काम करना बंद कर देता है।
पर उसी समय पन्नू भावेश को छोड़ देता है। भावेश की एकदम से जान वापस आ जाती है और वो तेज तेज खांसने लगता है और जोर जोर से सांस भी लेता है। भावेश की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। फिर वो वहीं जमीन पर लेट जाता है और कुछ पल तक अपनी सांसें वापस पाने की कोशिश करता है। तकरीबन 5 मिनट जमीन पर लेटे रहने के बाद भावेश थोड़ा होश में आता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है। फिर वो देखता है कि अब वहाँ पन्नू नहीं है, वो वहाँ से जा चुका है। भावेश फिर खुद को संभालते हुए उस जंगल से बाहर की ओर जाता है। भावेश फिर अपने घर आता है। उसकी हालत अभी भी खराब है। पन्नू ने उसका गला जोर से पकड़ा था, उस वजह से गर्दन में अभी तक दर्द हो रहा है। भावेश अपने कमरे में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसे अभी भी बेहोशी जैसा लग रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, हेल्थ परसेंटेज कम हो गया है, क्या आप जीवन घुट्टी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? पर इससे पहले भावेश सिस्टम को कोई भी जवाब दे पाए, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। शायद वो इतनी भी हालत में नहीं था कि सिस्टम को जवाब दे पाए। कुछ घंटों बाद भावेश की आंखें खुलती हैं। वो एकदम से उठता है। भावेश अब पहले की तरह महसूस कर रहा था। वो तुरंत ही टाइम देखता है और दंग रह जाता है। क्या 5 घंटे हो गए, मैं इतनी देर तक सोता रहा? भावेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो 5 घंटे लगातार सोया है। भावेश फिर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर देखता है। अब उसे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, आप काफी देर से होश में नहीं थे, इसलिए सिस्टम ने जीवन घुट्टी का इस्तेमाल करके आपको ठीक किया है। ये सुनने के बाद भावेश थोड़ा राहत की सांस लेता है और सिस्टम से कहता है, पहली बार खुद से मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सिस्टम, वरना शायद मैं कभी उठ ही नहीं पाता। तभी सिस्टम का दूसरा नोटिफिकेशन आता है। सॉरी होस्ट, वायरस सिस्टम के आसपास होने की वजह से सुपर सिस्टम ने आपकी कोई मदद नहीं की। भावेश तुरंत ही समझ जाता है कि क्यों उसके साथ आज इतना कुछ हुआ, क्योंकि सुपर सिस्टम वायरस सिस्टम के आसपास होने की वजह से खुद को छुपा लेता है। पर भावेश इस बार इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के लिए काफी कुछ घूम रहा है। उसे अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था कि आखिर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव गायब कहाँ हो गए। अगले दिन भावेश होटल रॉयल जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी उसका फोन बजता है। भावेश जैसे ही फोन की ओर देखता है एकदम दंग रह जाता है। वो इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव का फोन था। भावेश को एक उम्मीद जगती है और वो तुरंत ही फोन उठाता है और कहता है, सर आप ठीक तो हैं? पर तभी दूसरी ओर से सब इंस्पेक्टर की आवाज आती है और वो कहता है, भावेश जी मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। भावेश की उम्मीद एक पल में खत्म हो जाती है और वो दुखी सी आवाज से सब इंस्पेक्टर से कहता है, जी बताइए क्या आपको कुछ इंस्पेक्टर के बारे में पता चला? तभी सब इंस्पेक्टर भी थोड़ा दुखी मन के साथ कहता है, भावेश जी हमें आज पहाड़ी इलाके में एक डेड बॉडी मिली है, हालांकि ये हमें यकीन नहीं है कि वो इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की है या नहीं, पर उस बॉडी के पास उनका पर्स मिला है, इस वजह से हमें शक है कि शायद वो बॉडी उनकी हो सकती है। भावेश ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और वो एकदम हैरान होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। भावेश को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और वो गुस्से में कहता है, इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को जिसने भी मारा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उस शख्स को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। फिर भावेश तुरंत ही उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। कुछ देर के बाद भावेश गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बॉडी रखी हुई है। वहां काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और वो सब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की मौत का दुख मनाने आए हैं। भावेश अंदर जाने की कोशिश करता है पर उसे बाहर ही रोक लिया जाता है। भावेश उनसे कई बार कहता है कि मैं इंस्पेक्टर सूर्य कुमार को जानता हूँ, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप अभी उन्हें नहीं देख सकते हैं। पर तभी सब इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं और फिर भावेश को परमिशन दिलाते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं।
हॉस्पिटल के एक रूम के बाहर कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं। भावेश और सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को देखने के लिए उस रूम के अंदर जाते हैं। भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को देखने के लिए उस रूम के अंदर जाता है। अंदर एक स्ट्रेचर पर बॉडी रखी है और उसे सफेद चादर से ढांका हुआ है। भावेश की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि संजना के जाने के बाद इतनी मुश्किल से उसे एक ऐसा शख्स मिला था जो उसकी मदद कर रहा था, पर अब वो भी उससे दूर हो गया। भावेश तुरंत ही इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है। तभी सब इंस्पेक्टर भावेश से कहते हैं, आज बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उनका चेहरा एकदम से मिट चुका है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बॉडी को पहचानना मुश्किल हो रहा है, और इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की कोई फैमिली नहीं है जिससे उनका डीएनए मैच करके हम पुष्टि कर सकें कि ये बॉडी उन्हीं की है या नहीं। भावेश फिर बॉडी की ओर देखता है और तभी उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट डेड बॉडी मिली है, क्या आप इसे रिकम्पोज करना चाहेंगे। भावेश को तुरंत ही याद आ जाता है कि इससे पहले भी उसने एक डेड बॉडी को डीकम्पोज किया था और वो गायब हो गई थी। भावेश को तुरंत ही ख्याल आता है और वो सोचता है, अगर मैं इस बॉडी को डीकम्पोज करता हूँ तो मुझे तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये इंस्पेक्टर सूर्य कुमार है या नहीं है। अगर ये सच में इंस्पेक्टर सूर्य कुमार की बॉडी है तो उनके सारे पावर्स मुझे मिल जाएंगे, और अगर ये उनकी बॉडी नहीं है तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि वो अभी भी जिंदा है। पर इतने ऑफिसर्स के बीच में ये करूंगा कैसे। फिर भावेश सब इंस्पेक्टर से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम कितने बजे होगा। सब इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं, आज रात 8 बजे का टाइम दिया है। भावेश तभी मन में सोचता है, ठीक है, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद मैं इस बॉडी को डिकम्पोज करूंगा। फिर भावेश हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और रात होने का इंतजार करता रहता है। रात के 8 बजते ही उस बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। तकरीबन 2 घंटे के प्रोसेस के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम पूरा होता है और बॉडी को मॉर्ग में रखवा दिया जाता है। भावेश को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत ही एक्शन में आ जाता है, पर अभी भी वहाँ काफी सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। भावेश को उन सभी ऑफिसर्स के जाने का इंतजार करना है, पर ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होता। जैसे ही खबर आती है कि पोस्टमार्टम पूरा हो गया है, सारे ऑफिसर्स वहां से निकल जाते हैं। भावेश को ये सही मौका भी लगता है और वो मॉर्ग के अंदर जाता है। वहां एक कमरे में बॉडी रखी हुई है। भावेश बिना समय गवाए उस बॉडी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सिस्टम से कहता है, सिस्टम डीकम्पोज। कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस पूरा होता है और बॉडी गायब हो जाती है। भावेश को अपने शरीर में एक एनर्जी सी महसूस होती है, पर कुछ अलग महसूस नहीं होता। भावेश को तुरंत ही एहसास होता है कि ये इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की बॉडी नहीं है, और वो हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब इंस्पेक्टर अभी भी जिंदा है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। जो अब तक सभी को लग रहा था वैसा कुछ भी नहीं है, वो बॉडी इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव की नहीं है, किसी और की है। इंस्पेक्टर अभी भी लापता है, जल्द ढूंढना होगा। देर रात भावेश अपने कमरे में है और इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के बारे में ही सोच रहा है। उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के गायब होने के केस से पन्नू पर कोई भी लेना देना नहीं है। भावेश के मन में बस यही ख्याल चल रहा था, जरूर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव को पन्नू और अभिनंदी ने मिलकर गायब किया है, वरना अगर वो कहीं भी जाते तो मुझे जरूर बताकर जाते। उनका इस तरह गायब होना इस बात की पुष्टि करता है कि सुपर सिस्टम खतरे में है। वो दोनों जानते थे कि जब तक सुपर सिस्टम का प्रोटेक्टर जिंदा है तब तक सिस्टम को किसी भी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को ही रास्ते से हटा दिया। और साथ ही ये भी सच है कि वो अभी भी जिंदा है और जरूर होश में ही है, वरना अब तक मैं ट्रांसमिशन पावर के जरिए उनसे बात कर लेता। आवेश कुछ पल और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और फिर फैसला करता है। लगता है अब वक्त आ गया है अभिमन्यु के घर में फिर से जाकर उस लैबोरेटरी को अच्छे से देखने का। अब मेरे कई सवालों के जवाब वहीं से मिलेंगे। अगले दिन भावेश सुबह सोकर उठता है और तैयार होकर बाहर जाता है।
भावेश के माता पिता और चिंकी डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं। तभी भावेश की माँ कहती है, बेटा दो तीन दिन से देख रही हूँ तुम बस चुपचाप आते हो और चुपचाप चले जाते हो, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तभी भावेश के पिता भी कहते हैं, बेटा हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। फिर भावेश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम ज्यादा है और कोई नहीं है। फिर भावेश माँ के बगल में ही बैठ जाता है और माँ भावेश के लिए नाश्ता लगाती है। सब नाश्ता कर रहे होते हैं, इसी बीच भावेश माँ टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाते हैं। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वो कुत्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं, शहर में खतरनाक कुत्तों का आतंक, वो कहीं से भी आते हैं और किसी को भी काट लेते हैं। कल जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल से घर लाने के लिए गई, तो वहीं उनके पास ही अपने दो कुत्तों के साथ खड़े हुए थे। वो कुत्ते जो रोज शांति से उन्हें जाते हुए देखते हैं, वो कल अचानक से पागल हो गए और बेकाबू होकर उस माँ पर कूद पड़े। उस औरत की किस्मत अच्छी थी कि वहीं आसपास कुछ पुलिस वाले भी घूम रहे थे जिन्होंने सही वक्त पर आकर उन्हें बचा लिया, पर उन कुत्तों ने उस औरत को काफी जगह काट लिया था और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें शरीर के 11 जगहों पर टाँके लगे हैं और कई सारे इंजेक्शन भी। पर ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है, कई जगह कल ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ कुत्ते अचानक से पागल हो गए और बेकाबू होकर लोगों पर हमला करने लगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे, क्या ये कोई साजिश है या कोई इसलिए कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है? आप भी बचकर रहिए, आपके आसपास भी कोई कुत्ता उस वायरस का शिकार होकर आप पर हमला कर सकता है। भावेश और उसके सभी घर वाले ये न्यूज सुनकर काफी हैरान होते हैं। फिर भावेश की माँ थोड़ा डरते हुए कहती है, अंजाम ये सब क्या हो रहा है इस शहर में, लगता है अब तो घर से बाहर जाना ही बंद करना पड़ेगा, कहीं वो कुत्ते हमें भी न काट ले। चिंकी भावेश तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे, घर नहीं रहोगे। तभी भावेश कहता है, अरे मम्मी आप क्यों चिंता कर रही हो, ये सब सिर्फ न्यूज बनाने के लिए कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर अब तक ऐसा कुछ होता तो पूरे शहर में खबर फैल जाती। चिंकी भी कहती है, हाँ हाँ ये सब सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। तभी भावेश की माँ थोड़ा सा कठोर स्वर में कहती है, देखो तुम दोनों ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, जितना मैं कह रही हूँ उतना करो, जब तक ये सब ठीक नहीं होता तुम लोग घर से बाहर नहीं जाओगे, और भावेश के पापा आप भी घर से बाहर नहीं जाएंगे, सब घर नहीं जाएंगे। भावेश की माँ का ये रूप देख कर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनकी बात को काटे और सबको मजबूरन कहना पड़ता है ठीक है। भावेश जो इतने जरूरी काम के लिए बाहर जाने वाला था अब वो घर में ही फंस कर रह गया। भावेश की माँ जैसे ही वहाँ से निकलती है, भावेश और चिंकी तुरंत ही अपने पिता से कहते हैं, पापा आप समझाइए ना मम्मी को, पापा आप समझाइए ना मम्मी को। चिंकी भी कहती है, हाँ पापा अब आप ही समझाइए ना मम्मी को, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ना जाऊँ और वो नाराज हो जाए। भावेश के पिता एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ का ये जो रूप है ना, वो कभी कभी ये देखने मिलता है और इसके खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, तो मैं तुम दोनों से भी यही कहूँगा कि तुम लोग भी चुपचाप घर में बैठे रहो जब तक वो बाहर जाने के लिए हाँ नहीं कहती, यही सबके लिए अच्छा होगा। और फिर भावेश के पिता भी वहाँ से चले जाते हैं। भावेश और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों बहुत मजबूर और फंसा हुआ सा महसूस कर रही है। फिर चिंकी उदास समूह बनाकर भावेश से कहती है, भैया आप कुछ कीजिए ना। चिंकी की रिक्वेस्ट करने पर भावेश सोचने लगता है, शायद अब तो घर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इस मुसीबत को ही जड़ से खत्म करना होगा, पर कैसे? तभी अचानक से भावेश की माँ की चिल्लाने की आवाज आती है, अरे बचाओ रे कोई, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ कोई बचाओ। भावेश और चिंकी ये आवाज सुनकर दम रह जाते हैं और फिर तुरंत ही बाहर दौड़ते जाते हैं। भावेश और चिंकी बाहर आते हैं और देखते हैं
के घर के सामने कुछ कुत्ते एक फैमिली जो कि स्कूटर पर जा रही थी उनको घेरे हुए हैं और उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूटर पर हस्बैंड वाइफ और उनका 10 साल का बेटा बैठे हुए हैं और कुत्ते उन पर भौंक रहे हैं और पंजा मारने की कोशिश कर रहे हैं। आस पास लोग मौजूद हैं पर सब बस खड़े होकर देख रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। वो कुत्ते बहुत ही भयानक थे। वो आदमी जो स्कूटर चला रहा था वो अपनी छाती के जरिए उन कुत्तों को दूर करने की कोशिश कर रहा है पर उसकी कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है। वो कुत्ते वहाँ से भागते नहीं है और वो आगलों की तरह उन पर बहुत तेज तेज भागते जा रहे हैं और हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। उन कुत्तों को देख कर ऐसा ही लग रहा है जैसे कि उन पर किसी तरह का जादू किया गया हो और वो सब काबू से बाहर जा चुके हैं। भावेश को देख कर काफी दम था। उसके मन में ख्याल चलने लगता है, मुझे कुछ भी करके इस फैमिली को उन कुत्तों से बचाना होगा, वरना ये कुत्ते उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भावेश उस फैमिली को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकने लगती है। नहीं बेटा भावेश, तुम मत जाओ, वरना तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, वो कुत्ते बहुत खतरनाक है। भावेश अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, माँ चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। पर भावेश की माँ जिद करने लगती है, तुम नहीं जाओगे, तुम घर के अंदर चलो। भावेश की माँ उसका हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर ले जाने लगती है। भावेश उस फैमिली को बचाना चाहता है पर मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरह अपनी माँ को मनाए। भावेश की माँ जबरदस्ती भावेश को अंदर खींचते हुए ले जाती है। वहीं दूसरी ओर उन कुत्तों के भौंकने की आवाज और तेज होती जा रही है और वो इस फैमिली पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। भावेश जैसे ही देखता है कि वो कुत्ते और आगे बढ़ रहे हैं, वो तुरंत ही अपनी माँ का हाथ छुड़ा कर बाहर की ओर भागता है और घर का दरवाजा भी बंद कर देता है। भावेश की माँ जोर जोर से चिल्लाती रहती है, भावेश काफी दूर निकल चुका है। भावेश तुरंत ही कुत्तों के सामने पहुंचता है। वो चार कुत्ते हैं और वो सब उस फैमिली के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो तीनों अब बस स्कूटर के पीछे साइड खड़े हो गए हैं और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बेटा बुरी तरह लो रहा है, उसके माता पिता भी घबराए हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ, मदद करो हमारी, हमारी बेटी को बचाओ। वहाँ आसपास काफी लोग हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाकर कुछ करे। एक दो लोगों ने दूर से कुत्ते पर पत्थर जरूर फेंके पर उसका ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। भावेश तुरंत ही कोई तरीका सोचने लगता है जिससे वो उस परिवार को उन कुत्तों के जाल से बचा सके। भावेश भी बाकी लोगों की तरह उन कुत्तों पर पत्थर मारता है पर वो पत्थर पूरी ताकत के साथ मारता है जिससे उन कुत्तों को चोट लगे और वो उसकी ओर देखने लगे। भावेश कई बार उन सभी पर पत्थर मारता है, उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है पर वो कुत्ते एक पर भी अपनी नजर उस परिवार से नहीं हटाते। ऐसा लग रहा था जैसे उन कुत्तों के दिमाग में यही डाला गया है कि तुम्हारे कांधे ठीक परिवार है और कुछ भी नहीं। भावेश देख कर काफी हैरान होता है और सोचता है, आखिर ये किस तरह की ताकत है जो इन्हें ऐसा बना रही है। ये सभी तो पालतू कुत्ते थे पर अब इतनी भयानक कैसे हो गए, मुझे ये जल्द से जल्द रोकना होगा पर कैसे है? तभी भावेश को उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा मोटी रस्सी का बंडल रखा हुआ दिखता है। उस रस्सी के बंडल को देखकर उसे कुछ सूझता है और वो तुरंत ही जाकर उस रस्सी को उठाता है और रस्सी को हाथ में लेता है। रस्सी हाथ में लेते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट एक रोप मिली है, क्या आप इसे डीकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे? भावेश का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो सिस्टम की कोई भी बात सुने क्योंकि इस समय उसका उस परिवार को बचाना जरूरी था। इसलिए भावेश सिस्टम को कोई भी जवाब नहीं देता और उस रस्सी को लेकर उन कुत्तों की ओर बढ़ने लगता है। भावेश उस रस्सी का गोल जाल बनाकर उन कुत्तों की ओर फेंकता है और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर वो रस्सी का जाल इतना कमजोर था कि भावेश कामयाब नहीं हो पाता। दोबारा कोशिश करता है पर दोबारा भी कामयाब नहीं रहता है। तभी वहाँ तानिया भी पहुँच जाती है और वो भी ये सब देख कर दंग रह जाती है। हैरानी के साथ भावेश से कहती है, भावेश ये सब क्या हो रहा है?
रहा है, ये कुत्ते इस तरह के भोंक रहे हैं। भावेश तुरंत ही तानिया से कहता है, मैं तुम्हें ऐसे बाद में बताऊंगा, पहले मुझे लोगों को बचाना जरूरी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तानिया हाँ में सहलाती है और फिर भावेश उसे कहता है, मुझे इस रस्सी से गोलजाल बनाना नहीं आ रहा है जिससे मैं उन कुत्तों को पकड़ सकूं, क्या तुम्हें आता है? तानिया नामे सहलाते हुए कहती है, मुझे भी नहीं आता भावेश। भावेश बड़ा ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे उस रस्सी को जाल में बनाकर उन कुत्तों को फंसाना है। तभी भावेश को याद आता है कि सिस्टम ने अभी रस्सी को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछा था। भावेश को ख्याल आता है कि शायद सिस्टम उसकी किसी तरह से मदद कर सकता है, शायद इस रस्सी को डीकंस्ट्रक्ट करके उसे कोई तरीका मिल जाए जिससे वो उन कुत्तों के लिए जाल बन पाए। फिर भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, सिस्टम डीकंस्ट्रक्ट। सिस्टम को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, ओके होस्ट, और फिर सिस्टम प्रोसेस शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम उस रस्सी को डीकंस्ट्रक्ट कर लेता है और फिर भावेश को नोटिफिकेशन आता है, होस्ट प्रोसेस कंप्लीट, काउबॉय लूप स्टाइल फाउंड, स्किल लेवल पॉइंट 0.1, एक्सपीरियंस लेवल 1.9, काउबॉय लूप स्टाइल से रस्सी को हर तरीके के जाल बनाने की नॉलेज मिलती है। इसमें 50 तरीके हैं जिससे आप एक रस्सी के जरिए किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं, क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? भावेश को तुरंत ही ख्याल आता है, यही तो मुझे चाहिए था, और भावेश बिना वक्त गवाए तुरंत ही सिस्टम को बोलता है, सिस्टम फ्यूज। सिस्टम तुरंत ही प्रोसेस शुरू करता है। भावेश की हथेली पर एक रोशनी चमकती है और वो तुरंत ही गायब हो जाती है। उस रस्सी को डीकंस्ट्रक्ट करता है और उसे काउबॉय रोप स्किल्स मिल जाते हैं। फिर भावेश उन स्किल्स का इस्तेमाल करके उस रस्सी का जाल बनाता है और उन्हें कुत्तों पर फेंकता है। इस बार भावेश कामयाब हो जाता है क्योंकि वो जाल इतनी सफाई से और बेहतरीन तरीके से बनाया गया था कि उसे फेंकते ही कुत्ता उसमें फंस जाता है। भावेश चार अलग अलग तरीके से जाल बनकर उन चारों कुत्तों को पकड़ता है और फिर उन्हें पीछे खींचता है। इस तरह वो कुत्ते उस परिवार से दूर हो जाते हैं और परिवार थोड़ी राहत की सांस लेता है। वो सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, वहाँ मौजूद लोग भी खुश होते हैं। तानिया भावेश को ये सब करते हुए हैरत में है। भावेश उन कुत्तों को पूरी ताकत के साथ दूर खींचता है और उन्हें काबू में करके अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है। वो कुत्ते और भी ज्यादा खूंखार होने लगते हैं, तेज तेज भौंकते हैं और उस रस्सी को काटने की कोशिश करते हैं। चारों कुत्ते पूरी जान लगाकर उस परिवार की ओर फिर बढ़ना चाहते हैं, पर भावेश की ताकत के आगे वो मजबूर है। भावेश पूरी ताकत लगाकर उन कुत्तों को अपने काबू में ही रखता है और उन्हें खींच कर दूर ले जाने लगता है। वो परिवार मौका मिलते ही स्कूटर पर बैठता है और तुरंत ही स्कूटर स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। उन कुत्तों की नजर अभी भी उस परिवार पर है और जैसे ही वो उनको जाते हुए देखते हैं, वो सारे कुत्ते भी ज्यादा बेकाबू होने लगते हैं। उनमें से एक काला सा कुत्ता जो कि थोड़ा ज्यादा हट्टा कट्टा है, वो किसी तरह अपने दांतों से उस रस्सी को काटने में कामयाब हो जाता है और रस्सी से आजाद होते ही पूरी तेजी से उस परिवार का पीछा करने लगता है। भावेश देख कर दंग रह जाता है, अब वो इस हालत में है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। भावेश पूरी तरह फंसा हुआ है। एक और भावेश के हाथ में तीन और कुत्ते हैं जिन्हें उसे उस परिवार से दूर रखना है। वहीं दूसरी ओर एक कुत्ता उसके चंगुल से छूट गया है। अब भावेश उन्हें कैसे रोके? वहाँ मौजूद लोग फिर से डरने लगते हैं। तानिया भी डर रही है कि कहीं उस परिवार को कुछ हो नहीं जाए। वहाँ मौजूद लोग फिर उस कुत्ते पर पत्थर मार रहे हैं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस कुत्ते को अपने पास आता देख वो परिवार फिर डर से चीखने लगता है। स्कूटर तेज भगाते हैं। भावेश के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। जो कुत्ता आजाद होकर उस परिवार की ओर भाग रहा है वो लगभग उस परिवार के पास पहुंचने वाला है और शायद किसी भी वक्त हमला भी कर देगा। भावेश ये सब खड़े होकर देख रहा है और बाकी के तीन कुत्तों को रोकने की कोशिश कर रहा है और इतनी ही वो काला कुत्ता उस परिवार पर हमला करने के लिए उन पर कूदता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। कुछ लोग अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं। भावेश भी ये देखकर बहुत ही हैरान परेशान है और निराश भी है कि वो कामयाब नहीं हो पाया।
सबको यही लगने लगता है कि अब उस परिवार को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। वो काला कुत्ता अब बिल्कुल से ही उन पर हमला करने वाला है। अब उस परिवार का क्या होगा? तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और वो कुत्ता जमीन पर ही गिर जाता है। सब दूसरी ओर देखते हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ चुके हैं और उन्होंने कुत्ते को बेहोश करने वाली गोली मारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तुरंत ही उन चारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं। भावेश बहुत ही राहत की सांस लेता है। फिर तानिया उसके पास आती है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहती है, भावेश तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तुमने एक पूरे परिवार को बचा लिया। भावेश निराशा भरे स्वर में कहता है, मैंने नहीं, पुलिस वाले ने बचाया है। तानिया तभी भावेश से कहती है, अगर तुम उन्हें इस तरह नहीं रोकते तो शायद इतना वक्त नहीं मिलता कि तब तक पुलिस वाले आकर उन्हें अपना शिकार बना ले, इसलिए तुमने भी बहुत बहादुरी दिखाकर उन्हें बचाया है। फिर भावेश थोड़ा मुस्कुराता है और हाँ में सहलाता है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। और शायद भावेश का मन अभी भी उदास है। शायद अभी जो कुछ भी हुआ उसने भावेश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि अगर सही टाइम पर पुलिस न आती तो अब तक वो कुत्ता परिवार को खत्म कर चुका होता। भावेश अपने घर वापस आता है और फिर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही भावेश को एकदम से झटका लगता है, उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। भावेश तुरंत जाकर अपनी माँ को जगाता है, मम्मी मम्मी आंखें खोलो। भावेश घबरा जाता है और अपने पिता और चिंकी को आवाज देता है, पापा चिंकी देखो मम्मी को क्या हुआ है। भावेश के पिता और चिंकी दौड़े हुए वहाँ आते हैं और फिर भावेश के पिता शांति जी को उठाने की कोशिश करते हैं। शांति शांति, चिंकी भी डर जाती है और अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है। मम्मी उठो, क्या है मम्मी? चिंकी अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, उसे भी घबराहट होने लगती है। तभी भावेश के पिता भावेश से कहते हैं, बेटा जाकर जल्दी पानी लेकर आओ। भावेश तुरंत ही जाकर पानी लेकर आता है और फिर भावेश के पिता पानी की कुछ बूंदे माँ के चेहरे पर छिड़कते हैं। ऐसे करते ही माँ को होश आने लगता है और फिर वो सब उन्हें उठाकर अंदर की ओर ले जाते हैं। अंदर सब मिलकर माँ को सोफे पर लिटा देते हैं। फिर भावेश के पिता भावेश से कहते हैं, बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर भावेश तुरंत ही डॉक्टर को फोन करता है। कुछ पल बाद डॉक्टर घर आ जाते हैं और भावेश की माँ का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद वो बताते हैं कि शांति जी काफी कमजोर हो गई है, शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हुई है। क्या ये किसी बात के बहुत चिल्लाई है? अभी भावेश को याद आता है कि उसकी माँ उसे रोकने के लिए चिल्ला रही थी और फिर भावेश हाँ में सर हिलाता है। फिर डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं, इन्हें टाइम पर दवाई देते रहिएगा, एक हफ्ते में ये बिल्कुल से ठीक हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। भावेश को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ बेहोश हो गई। वो तुरंत ही जाकर अपनी माँ के पास बैठता है, उनका हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगता है। मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। भावेश की इस बात का उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि वो भावेश की ओर देखती भी नहीं है। भावेश हैरानी के साथ पूछता है, मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? भावेश हैरानी के साथ पूछता है, पर उसकी माँ इस बात का भी जवाब नहीं देती। तभी भावेश के पिता आगे आकर भावेश के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तुम जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। भावेश को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है, पर वो बार बार अपनी मम्मी की ओर रहा है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ उससे नाराज है। भावेश निराशा से अपने कमरे में बैठा होता है, उसे बहुत दुख है कि उसकी वजह से आज उसकी माँ बेहोश हो गई और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। तभी भावेश के पिता उसके कमरे में आते हैं। पिता को देखकर भावेश तुरंत ही खड़ा हो जाता है और पूछता है, पापा मम्मी कैसी है? भावेश के पिता कहते हैं, मम्मी अब ठीक है, पर बेटा वो तुमसे बहुत नाराज है। बेटा आज जो कुछ भी तुमने किया वो सही नहीं है। तभी भावेश अपने पापा से कहता है, पापा मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर उन लोगों को बचाना भी जरूरी था, उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। फिर भावेश के पिता कहते हैं, बेटा बहादुरी दिखाना अच्छी बात है, पर कभी कभी कुछ चीजों से हमें दूर ही रहना चाहिए,
खास तौर तब जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी चीज के लिए मना करें, उनकी बात माननी चाहिए। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। सुबह की वो खबर देखने के बाद इतना घबरा गई थी कि उन्होंने तुम लोगों को घर में बंद कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने सब कुछ अपनी नजरों से देखा तो बहुत ज्यादा डर गई थी, और फिर तुम्हारा इस तरह चला जाना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें सदमा लग गया। भावेश तुरंत ही कहता है, मैं अभी जाकर मम्मी से माफी मांगता हूँ। तभी भावेश के पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं, ठहरो बेटा, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम दो अपनी मम्मी को, अभी वो बहुत नाराज है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। और हाँ, घर से बाहर मत जाना जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। इतनी कहकर भावेश के पिता वहां से निकल जाते हैं। भावेश को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ की ये हालत हो गई, और वो अब उससे न बात कर रही हैं और न ही उससे मिलना चाहती हैं। भावेश की आंखें नम हो जाती हैं और उसके मन में यही ख्याल चलता है, माँ को मैं कैसे समझाऊं, मैंने जो कुछ भी किया अच्छे के लिए किया। भावेश ये सब ख्यालों में होता है कि तभी उसे उन ऑफिसर्स का फोन आता है जिन्होंने उसकी मदद उस छोटी सी बच्ची को ढूंढने में की थी। भावेश तुरंत ही फोन उठाता है, तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, अरे भावेश, मैं इंस्पेक्टर धीरज चौहान बोल रहा हूँ। जी सर, भावेश खुद को संभालते हुए कहता है। फिर दूसरी ओर से आवाज आती है, भावेश क्या तुम पुलिस स्टेशन आ सकते हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। भावेश थोड़ा हैरान होता है और पूछता है, किस तरह की मदद। तभी इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं, भावेश वो मेरे हवाले कि तुम्हारी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, तुम सही अंदाजा लगा सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें एक केस में तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। ये सुनने के बाद भावेश सोचने लगता है, घर से बाहर जाऊंगा तो माँ नाराज हो जाएगी, अब मैं इंस्पेक्टर की मदद कैसे करूँ। फिर भावेश इंस्पेक्टर से कहता है, सर सॉरी, मैं वहां नहीं आ सकता, घर से निकलना मुमकिन नहीं, आपकी मदद कर सकता हूँ, आप वीडियो कॉल पर मुझे सब कुछ बता। इंस्पेक्टर को थोड़ी हैरानी होती है और ना चाहते हुए भी उन्हें भावेश की बात माननी पड़ती है, और फिर वो दोनों तुरंत ही वीडियो कॉल से कनेक्ट करते हैं। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वीडियो कॉल पर है। भावेश देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, ऐसी क्या बात है कि सब एक साथ उससे बात करने के लिए आए हैं। फिर भावेश उनसे पूछता है, आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर। तब इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं, भावेश तुमने वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि जगह जगह शहर में कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। भावेश तुरंत ही हामी से हिलाते हुए कहता है, जी सर मुझे पता है इस बारे में, पर उसमें मैं आपकी क्या कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, भावेश हमेशा क्या है कि ये कोई वायरस या अचानक से आई कोई बीमारी नहीं है, ये जानबूझकर किया जा रहा है, कुत्तों के खाने में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जिस वजह से वो इंसानों के खून के प्यासे हो रहे हैं, वो काबू से बाहर हो जा रहे हैं। भावेश सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, क्या खाने में, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर की टीम में से एक आदमी जो कि सादे कपड़ों में है वो आगे आता है और कहता है, भावेश ऐसा हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर भावेश को बताते हैं, ये हमारे फॉरेंसिक टीम डिपार्टमेंट के हेड है डॉक्टर तनेजा। डॉक्टर तनेजा बताते हैं, भावेश ऐसा हो सकता है, भावेश कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें अगर लगातार कुत्तों को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह काबू से बाहर चले जाते हैं, हमें इस बात पर पूरा शक है कि जिन भी कुत्तों को ये खाना खिलाया गया है वो काबू से बाहर हो गए और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पर डर इस बात का है कि अब तक ये पूरे शहर में फैल चुका है, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि अब हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने ये सब किया है, और फिर उसी से पता करना होगा कि उसने ये कैसे बनाया है जिससे हम जल्द ही जल्द उसका तोड़ निकाल सके और इसकी एंटीडोट बना सके और सभी कुत्तों को पहले जैसा कर सके। भावेश बहुत ही हैरान होता है सब सुनकर, उसके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल था। फिर भावेश इंस्पेक्टर से पूछता है, तो सर इसमें मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी इंस्पेक्टर भावेश से कहता है, भावेश हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें उसको ढूंढना है, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ये कहाँ से शुरू करें, तुमने पिछले केस में जिस तरह से काम किया था उससे हमें एक उम्मीद जागी कि शायद तुम हमारे लिए कुछ कर पाओगे, जल्द हमारी किसी भी तरह से मदद कर सको, हम काफी लोगों की जान बचा सकते हैं। भावेश के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, एक और वो घर से बाहर नहीं जा सकता था,
वहीं दूसरी ओर उसे लाखों लोगों की जिंदगियां भी बचानी थी और साथ ही उस शख्स को भी पकड़ना है जो ये हैवानी पूरे शहर में फैला रहा है। कुत्तों के हमलों से सब बहुत डरे हैं। ज्यादातर लोगों ने घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया है और इस वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में सन्नाटा सा छाने लगा है। पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह उन बेकाबू कुत्तों को रोक सके, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। उनकी हर प्लानिंग नाकामयाब नजर आ रही है। इंस्पेक्टर धीरज ने इस परेशानी का हल निकालने के लिए भावेश से मदद मांगी है और भरोसा जताया है कि वो जरूर कामयाब होगा। अब पूरे शहर की जिम्मेदारी भावेश पर है। भावेश इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी चिंकी उसके कमरे में आ जाती है और भावेश को पकड़ लेती है। भावेश चिंकी को देख कर दम रह जाता है। चिंकी भावेश को थोड़ा गुस्से से देखती है और कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो आप? आपकी वजह से मम्मी की हालत हुई है और अभी भी आपको उनकी चिंता नहीं है। तभी भावेश चिंकी से कहता है, चिंकी मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं बाहर नहीं गया तो बहुत बुरा हो सकता है। माँ की जान से भी ज्यादा बुरा। चिंकी भावेश से कड़क स्वर में कहती है। भावेश सुनकर एकदम से शांत हो जाता है और फिर वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है। चिंकी फिर भावेश के पास जाकर कहती है, भैया मुझे भी बाहर जाने का बहुत मन है, लेकिन इस तरह माता पिता को दुख पहुंचा कर मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी बाहर मत जाओ। इतना कहकर चिंकी वहां से चली जाती है। भावेश बहुत ही निराश है क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो ये सब घर वालों को कैसे समझाए उसे नहीं पता। भावेश इन्हीं सब ख्यालों में डूबा होता है कि तभी भावेश को फिर से इंस्पेक्टर धीरज का फोन आता है। भावेश पहले भी कुछ देर तक उस फोन को देखता रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो उनसे क्या कहेगा। वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है और क्या वो वजह आम लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। फोन दो तीन बार लगातार बजता है और आखिर में भावेश को फोन उठाना पड़ता है। जी इंस्पेक्टर, दूसरी ओर से इंस्पेक्टर की आवाज आती है। भावेश तुमने खुद सोचा, ये परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। कई सारे कुत्तों ने एक चिल्ड्रन स्कूल को घेर लिया है, पूरी पुलिस फोर्स उनको बचाने में लगा दी गई है, पर हम उन कुत्तों को काबू करने में नाकाम हो रहे हैं। शायद हमें उन्हें गोली भी मारनी पड़ सकती है, पर अगर हमें वो शख्स मिल जाए तो हम उन कुत्तों को रोक भी सकते हैं। प्लीज कुछ करो भावेश। भावेश के पास कोई जवाब नहीं है देने को, वो बस चुपचाप फोन काट देता है। हेलो हेलो। फिर भावेश जाकर अपना कंप्यूटर ऑन करता है और यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखता है। ड्रीम ड्राइव किड्स स्कूल के बाहर बहुत सारे कुत्ते खड़े हुए हैं, स्कूल को घेरे हुए हैं और भौंक रहे हैं, दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने पंजों से वहां की दीवारें दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह अंदर जाना चाहते हैं। उन कुत्तों से कुछ दूर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है जो उन पर पत्थर मार रहे हैं, उन पर जाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी कुत्ता जाल में नहीं फंसता। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ते बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और उन्हें पता है कि कैसे अपने रास्ते की मुसीबत को रोकना है। स्कूल में कैद सारे बच्चे बुरी तरह डर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ के टीचर्स उन बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी बहुत डरे हुए हैं। उन कुत्तों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके दिमाग में बस एक टारगेट सेट किया गया है कि आज उन्हें स्कूल पर ही हमला करना है, क्योंकि आसपास और भी लोग हैं और वो कुत्ते उन लोगों की ओर देख भी नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले उन पर पत्थर मार रहे हैं, फिर भी वो कुत्ते स्कूल की ओर ही देखते रहते हैं। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्कूल और उन बच्चों पर टिकी हुई हैं। भावेश कुछ पल तक वो लाइव वीडियो देखता रहता है और फिर गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, मैं चाहकर भी बच्चों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ट्रांसमिशन पावर को अपग्रेड करके आप यहाँ से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। भावेश सुनकर थोड़ा हैरान होता है, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे बाहर किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ? भावेश के सवाल का जवाब सिस्टम देता है, यस होस्ट, आप किसी भी इंसान या जानवर से कांटेक्ट कर पाएंगे जिसे आप पहले मिल चुके हैं।
एक और भावेश के लिए अच्छी खबर थी कि वो किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, पर दूसरी ओर उस शख्स से उसकी जान पहचान होनी चाहिए। भावेश फिर सोचने लगता है कि ऐसा कौन है जिससे वो कॉन्टेक्ट करके इस केस में मदद ले सकता है। भावेश के मन में कई नाम आते हैं, पर इन लोगों को वो इस खतरे में नहीं डाल सकता है। कुछ घंटों तक सोचने के बाद भी भावेश के दिमाग में कोई नाम नहीं आता और उसके लिए कहानी वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। भावेश फिर से लाइव वीडियो देखता है और फिर उसकी नजर उन कुत्तों पर पड़ती है। वो कुत्ते अब और भी ज्यादा जोश में आ चुके हैं और मिलकर स्कूल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हर एक वार इतना ताकतवर था कि दरवाजा टूटने लगता है। ये देखकर वहां सब घबरा रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर धीरज भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी को ऑर्डर देते हैं। ऑफिसर्स, गेट रेडी टू फायर। उन कुत्तों को देखते देखते भावेश को कुछ अजीब सा नजर आता है। भावेश अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और भी ध्यान लगाकर देखता है तो वहाँ एक काला कलर का कुत्ता है जो कि देखने में बहुत हृष्ट पुष्ट है। वो पूरी ताकत से दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भावेश उसे थोड़ा और ध्यान से देखता है तो उस कुत्ते के शरीर पर चोट का निशान है। भावेश को तुरंत याद आता है, ये तो वही कुत्ता है जिसे आज मैंने रोकने की कोशिश की थी और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने गोली मार दी थी। तो क्या ये उनके चंगुल से भी छूट कर बाहर आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? उन कुत्तों पर नीम की गोली भी असर नहीं कर रही है। तभी भावेश को सिस्टम की बात याद आती है कि आप किसी ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं जिसे आप जानते हो। भावेश के मन में ख्याल आता है, मैं इस कुत्ते को जानता हूँ, शायद इसके जरिए मैं अपना काम कर सकता हूँ। भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, सिस्टम ट्रांसमिशन पावर को लेवल अप करो। ओके होस्ट। भावेश के कहते ही सिस्टम ट्रांसमिशन पावर का लेवल अप कर देता है और फिर भावेश उस काले कुत्ते से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर भावेश कामयाब नहीं हो पाता। शायद अभी भी पावर उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है जहां मैं उस कुत्ते से कनेक्ट कर सकूं। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम ट्रांसमिशन पावर को एक बार और लेवल अप कर दो। ओके होस्ट। सिस्टम ट्रांसमिशन पावर को एक और लेवल अप कर देता है। भावेश फिर उस कुत्ते को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। भावेश को टेंशन होने लगती है और वो फिर से सिस्टम से कहता है, सिस्टम एक बार और लेवल बढ़ा दो। सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है, किसका लेवल अप? ये सुनते ही भावेश को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सिस्टम से कहता है, सिस्टम ट्रांसमिशन पावर का एक बार और लेवल अप करो। ये सुनते ही सिस्टम का तुरंत नोटिफिकेशन आता है, होस्ट एनर्जी लेवल डाउन है, प्रोसेस में कुछ घंटे लग सकते हैं। एक के बाद एक परेशानी भावेश को घेर रही थी। भावेश को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था जिससे वो घर पर रहकर उन कुत्तों को रोक सके। भावेश फिर गुस्से में एक बार फिर उस काले कुत्ते को काबू में करने की कोशिश करता है। एक पल भी पलकें झपकाए बिना ही उस कुत्ते को देखता रहता है, पूरी कोशिश करता है जिससे वो कुत्ता उसके काबू में आ जाए। और कुछ देर बाद भावेश को कामयाबी मिल ही जाती है। भावेश उस काले कुत्ते को अपने इशारों पर नचाने लगता है। भावेश के इशारे पर वो काला कुत्ता पीछे हट जाता है। भावेश ये देखकर काफी खुश है। फिर भावेश उस कुत्ते को इशारे में कहता है, तुम्हें बाकी कुत्तों को भी रोकना होगा, उन्हें यहाँ से दूर भगाना होगा। भावेश की बात उस कुत्ते तक पहुंच जाती है और वो कुत्ता बाकी कुत्तों पर भौंकने लगता है, उनसे झगड़ा करता है, कहीं पर हमला करता है। ऐसा करते ही सारे कुत्ते एक साथ हो जाते हैं और वो मिलकर उस काले कुत्ते पर हमला करते हैं। वो कुत्ता जख्मी होने लगता है। भावेश देखकर हैरान है, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। तभी भावेश को बाकी के तीन कुत्ते भी उसी झुंड में नजर आते हैं जिन्हें आज सुबह वो रोकने में कामयाब हुआ था। भावेश तुरंत ही उन तीनों कुत्तों को भी अपने काबू में लेने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। फिर वो उन तीनों कुत्तों को उन बाकी कुत्तों से लड़ने को कहता है और उस काले कुत्ते को बचाने का ऑर्डर देता है। वो तीनों कुत्ते पूरी जान लगाकर बाकी कुत्तों से लड़ जाते हैं और उस काले कुत्ते को आजाद करवाते हैं। फिर वो चारों भावेश के कहने पर वहाँ मौजूद कुत्तों से लड़ने लगते हैं। सभी देखकर हैरान हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कुत्ते आपस में क्यों लड़ रहे हैं। काफी देर तक कुत्तों के बीच लड़ाई चलती है।
इस बीच वो बाकी के सारे कुत्ते बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं, पर उन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता, वो बस लड़ते रहते हैं। भावेश देख कर बहुत दंग रह जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, इन कुत्तों को चोट लगने पर दर्द क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसे क्यों बताव कर रहे हैं जैसे कि ये कोई जीवित जीव नहीं, कोई मशीन हो। कुछ देर लड़ाई के बाद भावेश को कामयाब मिल जाती है और वो चारों कुत्ते बाकी के बेकाबू कुत्तों को वहां से दूर भगाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर भावेश तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करता है और कहता है, अब आप जल्दी बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं इंस्पेक्टर। भावेश की बात सुनकर इंस्पेक्टर एकदम दंग रह जाते हैं और कहते हैं, क्या ये सब तुमने किया, पर कैसे? भावेश फिर से वही कहता है, अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, अब जल्दी से बच्चों को बाहर निकालिए, कहीं वो कुत्ते वापस ना आ जाए। इंस्पेक्टर तुरंत ही अपनी टीम को ऑर्डर देता है और पुलिस की पूरी टीम स्कूल के अंदर जाती है और बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर देती है। पीछे बच्चों के माता पिता भी आ चुके हैं, सब अपने अपने बच्चों से मिलते हैं, सब बहुत बकूक हैं। फिर इंस्पेक्टर भावेश से पूछते हैं, भावेश क्या तुमने कुछ सोचा, क्या करने वाले हो? भावेश के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो इंस्पेक्टर से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे लगता है अब मैं जल्द से जल्द उस शख्स को ढूंढ निकालूंगा। इंस्पेक्टर को भी थोड़ी उम्मीद चढ़ती है और फिर भावेश फोन करता है। भावेश फिर से कंप्यूटर में लाइव वीडियो देखता है और कुछ देख कर हैरान हो जाता है, वो चारों कुत्ते वहाँ से कहीं गायब हो चुके हैं जिन्हें भावेश ने अभी अभी काबू में किया था। भावेश ट्रांसमिशन पावर का इस्तेमाल करके उन चारों को कब्जे में लेने की कोशिश करता है, पर उसे किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुत्ते अचानक से ही इस दुनिया से कहीं गायब हो चुके हों। भावेश दंग रह जाता है। भावेश फिर तुरंत ही इंस्पेक्टर को फोन लगाता है और उनसे पूछता है, सर अभी जो वो चार कुत्ते वहाँ थे उन्हें आपने कहीं जाते हुए देखा? इंस्पेक्टर सोचने लगते हैं और चारों तरफ घूम कर देखते हैं और भावेश से कहते हैं, नहीं भावेश वो यहाँ कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों क्या बात है? तभी स्कूल के पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, वहाँ सब लोगों के दिल दहल जाते हैं। भावेश भी उस गोली की आवाज सुनकर दंग रह जाता है और इंस्पेक्टर से पूछता है, सर क्या हुआ? पर इंस्पेक्टर की कोई आवाज नहीं आती, पर उनका फोन चालू है और वो अपनी टीम के साथ स्कोर के पीछे जा रहे हैं। भावेश को फिर उनकी आवाज सुनाई देती है, ऑफिसर स्कूल के पीछे का इलाका घेर लो। फिर सारे ऑफिसर्स स्कोर के पीछे जाते हैं जहाँ से गोली चलने की आवाज आई है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो सब एकदम तंग रह जाते हैं। भावेश को इंतजार इंस्पेक्टर के जवाब का कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। तभी इंस्पेक्टर फोन पर भावेश से कहते हैं, भावेश उन चारों को तो किसने गोली मार दी? ये सुनकर भावेश के पैरों के लिए जमीन खिसक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो वहीं थे। इंस्पेक्टर फोन काट देते हैं। भावेश गुस्से में अपना फोन अपने बेड पर फेंक देता है और फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, भावेश अपने कमरे में जमीन पर बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा निराश है। उसका नया प्लान भी एकदम से बेकार हो गया, किसी ने चारों कुत्तों को गोली मार दी जिन्हें भावेश इस्तेमाल करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने वाला था। भावेश काफी देर तक जमीन पर निराश बैठा रहता है, तभी उसे बाहर से न्यूज चैनल की आवाज आती है जहाँ एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, चारों ओर मौत ही मौत का मंजर है, खौफ के साए में जी रहा है मुंबई शहर। भावेश ही सुनकर बाहर की ओर जाता है। बाहर भावेश के पिता बैठकर न्यूज देख रहे हैं। न्यूज पर कई जगह की वीडियोस दिखाई जा रही हैं जहां पर कुत्तों ने आम लोगों पर हमला किया है। उस हमले की वजह से कई लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं और कुछ अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। भावेश ये सब देखकर बहुत ही हैरान है, उसे तो जैसे सदमा सा लग जाता है और वो अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह जाता है। तभी भावेश के पिता उसके पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा सब ठीक है ना? भावेश तुरंत ही हाँ में सहलाता है। फिर उसके पिता कहते हैं, चिंता मत करो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। भावेश बस न्यूज देखता रहता है और उसके मन में यही ख्याल चल रहा है कि जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक मैं ये सब नहीं रोक पाऊंगा।
तभी अचानक से किचन में से कुछ बर्तनों की आवाज आती है। भाविश किचन की ओर देखता है तो उसकी माँ किचन में कुछ खाना बना रही है। तभी भाविश के पिता कहते हैं, मैंने बहुत मना किया पर तुम्हारी माँ मानने को तैयार नहीं है और सबके लिए खाना बनाने में लगी हुई है। पता नहीं क्या हो गया है। फिर भाविश किचन में जाता है और गिलास में पानी डालने लगता है। वो बार बार अपनी माँ की ओर देख रहा है पर उसकी माँ एक पल भी उसकी ओर नहीं देखती। भाविश को ये देख बहुत बुरा लगता है और फिर भाविश मन ही मन बात करता है, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा था, पर सच तो यह है कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसकी मदद से मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ। वो शक्तियां मुझे हर वक्त बचा कर रखती हैं, इसलिए मैं उस समय खुद को रोक नहीं पाया। अभी भी कई सारे लोग खतरे में हैं और मेरा जाना बहुत जरूरी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ। भावेश कुछ पल और इंतजार करता है कि उसकी माँ उसे देखेगी, पर ऐसा नहीं होता। फिर भावेश मुंह लटका कर निराश सा पानी का गिलास लेता है और बाहर की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर जा सकते हो भावेश। भावेश एकदम से दंग रह जाता है और पीछे पलटता है। उसकी माँ उसे नम आंखों के साथ देख रही है। भावेश हैरानी के साथ कहता है, आपने अभी क्या बोला मम्मी? भावेश की माँ उसके पास आती है और कहती है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब मैंने सुन लिया बेटा, शायद ये बात तुम मुझे पहले बता देते तो ये सब नहीं होता। खैर, अगर तुम उन लोगों को बचा सकते हो तो तुम्हें बाहर जरूर जाना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बहादुर बेटा लोगों के काम आ रहा है। भाविश बहुत ही हैरान है कि आखिर वो जो सोच रहा था वो सब उसकी माँ ने कैसे सुन लिया। तभी उसे याद आता है, शायद ट्रांसमिशन पावर का लेवल बढ़ जाने की वजह से हुआ है। भाविश खुशी से माँ को गले लगा लेता है। भाविश के पिता और चिंकी देखकर बहुत खुश है। तभी चिंकी खुशी से माँ के पास आती है और कहती है, क्या मैं भी बाहर जा सकती हूँ? माँ चिंकी को आंखें दिखाते हुए कहती है, तुम नहीं जा सकती और तुम्हारे पिता भी नहीं, सिर्फ भाविश जाएगा क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम है। बेटा तुम जाओ और जीत कर आना, मुझे निराश मत करना। भाविश अपनी माँ के हाथ को अपने हाथों में लेता है और कहता है, आपसे वादा करता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और फिर भाविश जल्दी से घर से बाहर निकलता है। भाविश के पिता और चिंकी हैरानी के साथ देखते रहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से यहाँ क्या हुआ है। आखिरकार भाविश घर से बाहर आ जाता है। फिर भाविश तुरंत अपनी कार में बैठता है और इंस्पेक्टर धीरज से मिलने के लिए निकलता है। पूरे रास्ते भाविश को कोई भी इंसान नजर नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे कि शहर में इंसान गायब हो चुके हैं, चारों ओर बस वो बेकाबू कुत्ते ही दिख रहे थे। उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। कुछ दूर आने के बाद भाविश को अचानक से कई सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और कुछ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, बचाओ हमें, कोई है बचाओ हमें, हमारी जान खतरे में है। भाविश तुरंत ही गाड़ी रोकता है और देखता है कि गली में कार के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और उन्हें चारों ओर से उन बेकाबू कुत्तों ने घेर रखा है। कार में बैठे वो सब लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हमारी मदद करो। भाविश तुरंत ही कुत्तों से लड़ने के लिए उनके पास जाने लगता है, पर अचानक से भाविश को याद आता है, अगर इन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया तो मुझे परेशानी हो जाएगी। फिर भाविश जल्दी कुछ सोचता है जिससे वो उन लोगों की मदद कर सके। फिर भाविश अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उसे अपने चेहरे पर बांधता है और फिर तुरंत ही जाकर उन लोगों की मदद करता है। भाविश फिर वैसे ही पास रखी एक रस्सी से जाल बनाकर उन कुत्तों को पकड़ने लगता है और उन लोगों से दूर ले जाता है। सही मौका मिलते ही वो सब अपनी कार से बाहर आते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो एक पल भी भाविश का शुक्रिया करने के लिए नहीं रुकते और भाविश को उन कुत्तों के साथ छोड़कर चले जाते हैं। पर भाविश को इस बात का बुरा नहीं लगता, वो बस उन कुत्तों को उनसे दूर रखने की कोशिश करता रहता है। फिर अचानक से वो कुत्ते भाविश को देखते हैं और देखकर गुर्राते हैं। भाविश देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले अब तक ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार वो कुत्ते अपनी टारगेट से हटकर किसी और को देख रहे थे।
फिर वो कुत्ते भावेश की ओर बढ़ने लगते हैं और अचानक से तेज चिल्लाते हैं। इस वजह से उस गली में और भी कुत्ते आने लगते हैं और अचानक से वहां पर 50 से भी ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब भावेश को देख कर गुर्राते हैं और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। भावेश फंस जाता है, वो चारों ओर नजर घुमाता रहता है कि कहीं कोई कुत्ता उस पर हमला न कर दे। भावेश के मन में ये ख्याल आता है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, कहीं ऐसा हो इन कुत्तों के बीच फंस कर मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। वो कुत्ते अचानक से फिर भौंकना शुरू कर देते हैं। वो सारे कुत्ते भावेश पर भौंक रहे हैं, उनके भौंकने की आवाज चारों ओर गूंज रही है। भावेश के कान में उनकी आवाज जाकर उसके अंदर एक अलग ही डर पैदा कर रही है। भावेश को थोड़ी घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। भावेश कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और उसे अचानक से याद आता है कि उसने उन चार कुत्तों को अपने काबू में किया था। अब ये कुत्ते भी उसके पास हैं, तो क्यों ना वो इन्हें भी अपने काबू में कर ले। भावेश फिर तुरंत ही आंखें खोलता है और उन कुत्तों की आंखों में देखकर उन्हें काबू में करने लगता है। भावेश काफी देर तक कोशिश करता है पर वो नाकामयाब रहता है। अचानक से उसकी ये पावर उन कुत्तों पर काम नहीं कर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन चारों कुत्तों पर तो ये पावर काम कर रही थी, तो इन पर क्यों नहीं कर रही है। फिर भावेश तुरंत अपने सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ट्रांसमिशन पावर काम क्यों नहीं कर रही है। सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट ट्रांसमिशन पावर को यूज करने के लिए एनर्जी लेवल बहुत कम है, आपको कुछ घंटे वेट करना होगा। भावेश को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस समय उसे ट्रांसमिशन पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है। भावेश गुस्से में सिस्टम से कहता है, सिस्टम जब भी मेरी जान खतरे में होती है तभी तुम्हें कुछ न कुछ होता है, कभी तो मुझे किसी खतरे से बचा लिया करो। ये सुनकर तुरंत ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, होस्ट आप मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भावेश सिस्टम की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है पर तभी उसके दिमाग में ये बात भी चलती है, सिस्टम ने कहा है तो जरूर कोई तो तरीका होगा, सिस्टम हमेशा सोच समझ कर ही बोलता है। भावेश वहाँ आसपास देखता है, उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे लोहे के रॉड दिखते हैं। उन रॉड को देखते ही भावेश समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर भावेश अपनी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करता है और उन रॉड्स को उठाने की कोशिश करता है पर वो रॉड बस अपनी जगह पर ही हिलती रहती है, भावेश के पास नहीं आती। भावेश पूरी जान लगाकर आयरन रॉड्स को अपने पास खींचने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं हो पाता। इतने में कुछ कुत्ते और आगे बढ़कर भावेश पर हमला कर देते हैं। भावेश किसी तरह उन्हें डॉज करके उनके नीचे से भागता है और भावेश को भागता देख सारे कुत्ते उसके पीछे भागने लगते हैं। भावेश की दौड़ की रफ्तार इतनी तेज है कि वो कुत्ते उससे पीछे छूटने लगते हैं। तभी उसके पीछे जो कुत्ते हैं वो फिर से वैसी ही आवाज निकाल के सभी कुत्तों को भावेश के पीछे लगा देते हैं। अब शहर के ज्यादातर कुत्ते भावेश के पीछे पड़े हुए हैं जो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। भावेश देख कर घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुका है, अब शायद कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती है। सारे कुत्ते कुछ पल तक भावेश को घूरते रहते हैं, कुछ उसको देखकर तेज भौंकते हैं और धीरे धीरे सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। फिर तुरंत ही सब कुत्ते भावेश पर हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। भावेश घबरा कर अपनी आंख बंद कर लेता है और हाथ को फिर आगे बढ़ाकर चिल्लाता है। इस वजह से भावेश के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है जो कुत्ते को उसके पास आने से रोक देती है। लगातार कुत्ते उस पर हमला कर रहे हैं पर भावेश के चारों ओर एक शील्ड आ चुकी है जो उन सभी कुत्तों को उस तक पहुंचने नहीं देती। वो कुत्ते उस शील्ड से टकराते हैं और एक बिजली जैसे झटके के साथ दूर जाकर गिरते हैं। भावेश की आंखें खुलती हैं और वो भी उस मैग्नेटिक फील्ड को देखता है और एकदम दंग रह जाता है। उसे तुरंत याद आता है कि उस दिन बास्केटबॉल मैच के दौरान उन दोनों प्लेयर्स ने भी उसे इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रोक रखा था। आखिरकार भावेश ने एक नई पावर सीख ली, शायद सिस्टम इसी के बारे में बात कर रहा था।
भावेश की मैग्नेटिक फील्ड को कुत्ते अपने पंजों से खरोचने की कोशिश करते हैं पर उससे उनके पंजे छिड़ जाते हैं। कईयों के नाखून भी टूट जाते हैं। उन्हें बिजली का झटका लगता है पर फिर भी वो बार बार हमला करते रहते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ताकतवर है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। फिर भावेश आगे बढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे भावेश आगे बढ़ता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ आगे बढ़ती जाती है। वो नजारा कुछ ऐसा था जैसे कि भावेश को एक सलाखों वाली जेल के अंदर रखा गया हो जिसे वो खुद से आगे पीछे चला सकता है और उन सलाखों की वजह से कोई उस तक पहुंच नहीं सकता है। फिर भावेश वहां से भाग कर जाने लगता है। कुछ पल कुत्ते उसका पीछा करते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर जब वो कामयाब नहीं हो पाते तो वो भावेश का पीछा करना छोड़ देते हैं। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद भावेश आजाद हो जाता है और सही सलामत फिर अपने मिशन की ओर निकल पड़ता है। फिर भावेश इंस्पेक्टर धीरज से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन को बाहर से ही एकदम जेल बना दिया गया है। चारों ओर लोहे की चादर लगी है और अंदर जाने के सारे रास्ते बंद है। उसे देखकर पता चल रहा था कि पुलिस वालों ने पहले से ही खुद को बचाने का इंतजाम कर लिया है। महावीर चादर को खटखटाता है तभी पीछे से आवाज आती है, कौन है उस तरफ? फिर भावेश कहता है, मेरा नाम भावेश है, मुझे इंस्पेक्टर धीरज से मिलना है। भावेश कितना कहते ही तुरंत ही दरवाजे की चादर हटा दी जाती है और भावेश को अंदर आने का मौका मिलता है। सभी हवलदार ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स बाहर आ जाते हैं। सब भावेश से मिलना चाहते हैं। उस पल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनका मसीहा आ गया हो। भावेश इंस्पेक्टर धीरज से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ चुका है। इंस्पेक्टर धीरज तुरंत ही बाहर आते हैं और भावेश से पूछते हैं, भावेश क्या हुआ, कुछ पता चला? भावेश नाम में सर हिलाता है और फिर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। इंस्पेक्टर धीरज फिर भावेश से कहते हैं, भावेश हमारे पास वक्त बहुत कम है, अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, पर कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। हमारे पास बस यही खबर है कि उन सभी कुत्तों को खाने के जरिए कुछ ऐसा खिलाया गया जिससे वो बेकाबू हुए हैं। तभी भावेश कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ खाने के जरिए या कुछ खिलाने से ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है जो उन्हें काबू में रख रहा है, उन कुत्तों को हर पल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उन्हें क्या करना है। इंस्पेक्टर धीरज और बाकी सब ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम ने सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं। फिर फॉरेंसिक टीम के हेड चार्ली आगे आकर भावेश से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, काबू कर रहा है कुत्तों को, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, ये नामुमकिन है। तभी भावेश उनसे कहता है, क्या आपने एक बात नोटिस की, कुत्ते अगर एक टारगेट पर हमला करते हैं तो वो उसी टारगेट को देखते रहते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो अपनी नजर वहां से नहीं हटाते, अगर वो किसी वायरस के शिकार होते तो किसी भी आदमी पर हमला करते जो उसके आसपास है, पर वो सिर्फ उन पर हमला करते हैं जिन पर उन्हें हमला करने के लिए कहा जा रहा है। भावेश की बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं और सबको यही लगने लगता है कि भावेश की बात में दम है। इंस्पेक्टर धीरज भी भावेश की बात को समझते हुए कहते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो भावेश, ये चीज जैसे उस चिल्ड्रन स्कूल के बाहर हम कितनी कोशिश कर रहे थे उन कुत्तों का ध्यान भटकाने की, पर वो सिर्फ स्कूल की ओर ही देखे जा रहे थे, इसे एक बात तो साबित हो जाती है कि उन्हें कोई तो काबू कर रहा है, पर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में पूरे शहर में वो कुत्तों को कैसे काबू कर रहा है। तभी भावेश सोचते हुए कहता है, ये कोई एक शख्स नहीं है, ये कोई पूरी टीम है जो मिलकर अलग अलग जगह पर ऐसा कर रही है। ये सुनकर सभी पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, कहां अब तक वो यही सोच रहे थे कि वायरस का प्रकोप है, अचानक से अब उनकी पूरी थ्योरी ही गलत हो गई। फिर इंस्पेक्टर धीरज कहते हैं, आखिर वो सब इतने कुत्तों को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? भावेश तुरंत ही कहता है, वही हमें पता लगाना है। इंस्पेक्टर धीरज फॉरेंसिक टीम के हेड चार्ली से पूछते हैं, प्रोफेसर क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कुत्तों को काबू में कर सकते हैं? प्रोफेसर काफी सोचते हैं और तुरंत ही कंप्यूटर पर कुछ सर्च करने लगते हैं। सब इन्हीं की ओर देख रहे हैं, सबका इंतजार है कि प्रोफेसर कुछ तो ऐसा जवाब देंगे जो शायद उनकी इस उलझन को सुलझा सके। कुछ पल के बाद प्रोफेसर स्क्रीन इंस्पेक्टर और भावेश को दिखाते हैं और कहते हैं,
फ्रीक्वेंसी लेवल, लो लेवल फ्रीक्वेंसी और हाई लेवल फ्रीक्वेंसी, ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ कुत्तों को ही सुनाई देती है। ये जो भी शख्स है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने कोई ऐसी मशीन बनाई है जिसके जरिए वो ये तबाही मचा पा रहा है। भावेश के दिमाग में अभिमन्यु की लेबोरेटरी का ख्याल आता है। क्या अभिमन्यु और पन्नू ने मिलकर ये सब किया है? वो दोनों भी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो यही मशीन है? पर वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? तभी भावेश इंस्पेक्टर धीरज से कहता है, सर मुझे घंटा दीजिए, मैं एक घंटे में आपके सवालों के जवाब लेकर आता हूँ। तभी इंस्पेक्टर धीरज भावेश से कहते हैं, तो भावेश रात होने वाली है, तुम्हारा आके बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तभी भावेश उनसे कहता है, आप घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, बस मुझे एक घंटा दीजिए, मुझे लगता है शायद मैं जानता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। और भावेश इतना बोलकर वहां से निकल जाता है। भावेश के निकलते ही इंस्पेक्टर धीरज को एक फोन आता है। जैसे ही वो फोन उठाते हैं दूसरी ओर से आवाज आती है, सर सर कमिश्नर सर के घर को उन कुत्तों ने घेर लिया है, बहुत सारे कुत्ते एक साथ उनके घर के बाहर भौंक रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं, सर हमें और पुलिस फोर्स की जरूरत है, जल्दी आ जाइए सर, जल्दी आ जाइए। इंस्पेक्टर ये सुनकर एकदम दंग रह जाते हैं और टेलीफोन रखकर तुरंत ही अपनी टीम से कहते हैं, टीम कमिश्नर के घर पर उन कुत्तों ने हमला कर दिया है, हमें जल्द से जल्द वहां जाना होगा। इंस्पेक्टर धीरज अपनी कैप और अपनी गन लेकर वहां से निकलने लगते हैं, पर उनके पीछे कोई भी नहीं आता। इंस्पेक्टर धीरज फिर पलट कर देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, चलो जल्दी हमें जाना है। पर सब खड़े ही रह जाते हैं। ये तुम सब क्या कर रहे हो, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, कमिश्नर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी उनमें से एक जूनियर ऑफिसर आगे आता है और कहता है, सर हमारी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, हम कुत्तों के हमले से नहीं मरना चाहते। तभी दूसरा एक हवलदार आगे आकर कहता है, सही कहा सर, हमें दुश्मन की गोली खाकर मरना मंजूर है, पर इस तरह कुत्ते हमें नोच नोच कर खाए हमें गवारा नहीं होगा। सभी लोग हाँ हाँ कहने लगते हैं, इंस्पेक्टर को काफी हैरानी होती है। फिर इंस्पेक्टर उनके पास जाते हैं, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम अगर किसी मुसीबत में फंसते हो तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इस समय हमारा अपनी जिम्मेदारी से भागना सही नहीं है, कई लोगों की जिंदगी हम पर टिकी हुई है, जब तक भावेश इस मुसीबत का हल नहीं निकालता तब तक हमें सब कुछ संभाल कर रखना होगा, इसलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों की जान बची रहे, कुछ देर में आर्मी भी आने वाली है, वो भी हमारी मदद करेगी। इंस्पेक्टर के समझाने के बाद पूरी टीम तैयार हो जाती है और सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ कर कमिश्नर के घर की ओर निकल जाते हैं। रात हो चुकी है और भावेश अब अभिमन्यु के घर के बाहर पहुंच चुका है। भावेश चारों ओर देखता है तो अभिमन्यु के घर के बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है और सबके हाथ में मशीन गन है। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में सबसे ज्यादा सेफ जगह इस समय अभिमन्यु का घर ही है। भावेश और घूमकर पूरा मुआयना करता है और फिर सोचने लगता है कि वो इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे अभिमन्यु के घर के अंदर जाएगा। उसे इंतजार रहता है कि शायद उस दिन की तरह कोई ट्रक आ जाए जिसमें बैठ कर वो अंदर चला जाए, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ट्रक नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर धीरज अपनी टीम के साथ कमिश्नर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जब वहां का नजारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें। देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और दिल दहल जाता है। चारों ओर से गोलियां चलने की आवाज आ रही है। लगभग 100 से ज्यादा कुत्ते कमिश्नर के घर को घेरे हुए हैं और वो दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिक्योरिटी में लगे ऑफिसर्स गोली मार कर रोक रहे हैं। कोई नहीं सोच सकता था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा जहां एक पुलिस ऑफिसर को कुत्तों को गोली मारनी पड़ेगी। वो सारे कुत्ते बहुत जोश में और गुस्से में नजर आ रहे हैं। कई कुत्तों ने बाहर खड़ी गाड़ियों का बुरा हाल कर दिया है। कुछ कुत्ते पीछे गार्डन तक पहुंच जाते हैं और घर की ओर दौड़ने लगते हैं। कुत्तों की संख्या ज्यादा है, उन्हें गोली मार कर भी नहीं रोक पा रहे हैं और अब कमिश्नर की जान को खतरा है। खतरा बढ़ता देख समय पर कुछ ऑफिसर्स गार्डन में आग लगा देते हैं। इस
इस वजह से कुत्ते पीछे ही रुक जाते हैं, पर वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि जैसे ही आग बुझ जाएगी वो फिर से हमला करेंगे। इंस्पेक्टर धीर जी सब देखकर थोड़ा डरने लगते हैं। ये मंजर बहुत भयावह है, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कुत्ते किसी ज़ॉम्बी की तरह बन चुके थे जिन्हें ना दर्द हो रहा था और ना ही किसी हमले से फर्क पड़ रहा था। पर इंस्पेक्टर धीरज हिम्मत नहीं हारते और तुरंत ही सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए और चारों ओर नजर घुमाते हैं। दूसरी ओर भावेश अभी भी अभिमन्यु के घर के बाहर है और मौका देख रहा है कि वो कैसे अभिमन्यु के घर के अंदर जाए। भावेश अभिमन्यु के घर के आसपास घूम रहा होता है तभी उसे गटर के पानी की आवाज आती है। इस आवाज को भावेश कुछ पल ध्यान से सुनता है और तभी उसके मन में ख्याल आता है, अभिमन्यु के घर में स्विमिंग पूल है तो जरूर गटर उससे कनेक्ट होगा, क्यों ना मैं उस रास्ते स्विमिंग पूल के जरिए उसके गार्डन तक पहुंच जाऊं और वहां से लैबोरेटरी एकदम पास में है। फिर भावेश तुरंत ही गटर का ढक्कन खोलता है और नीचे उतर जाता है। गटर में एकदम अंधेरा है, तभी भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम नाइट विजन ऑन करो। तुरंत ही नाइट विजन ऑन होता है और भावेश को गटर में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। गटर में बहुत सारी गंदी चीजें हैं, चारों ओर बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं, कीड़े हैं और यहाँ तक कि कुछ सांप भी तैर रहे हैं। भावेश उन्हें देखकर थोड़ा डरता है पर उसके पास कोई और चारा नहीं है, वो किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ता रहता है और अभिमन्यु के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर अभी भी सोच रहे हैं कि वो किस तरह इन कुत्तों को कमिश्नर के घर से दूर रखे। तभी इंस्पेक्टर को याद आता है कि प्रोफेसर ने कहा था कि उन कुत्तों को किसी तरह की फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जा रहा है। तभी उन्हें मन में ख्याल आता है कि अगर सच में किसी तरह की फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जा रहा है तो यहाँ जरूर आसपास कोई टावर होना चाहिए जिसके जरिए वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जा रही है। इंस्पेक्टर चारों ओर नजर घुमाते हैं और उन्हें तुरंत ही एक टावर नजर आ जाता है। उस टावर को देखकर वो कहते हैं, हो न हो यही वो टावर है जिसके जरिए वो क्रिमिनल्स इन सब कुत्तों को काबू कर रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर तुरंत ही अपनी टीम को कहते हैं, ऑफिसर्स हमें इस टावर को गिराना होगा। सभी ऑफिसर्स एक्सप्लोसिव्स लेकर उस टावर की ओर बढ़ने लगते हैं और टावर पर चारों ओर एक्सप्लोसिव्स लगाना शुरू करते हैं। दूसरी ओर भावेश अब अभिमन्यु के घर के नीचे आ चुका है और उसे एक लोहे का दरवाजा लगा मिलता है जिस पर इलेक्ट्रिक लॉक लगा हुआ है। भावेश उस लॉक को तोड़ नहीं सकता, अगर वो तोड़ने की कोशिश करेगा तो अलार्म बजने लगेगा और सबको पता चल जाएगा कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। भावेश तुरंत दिमाग लगाता है कि कैसे उस लॉक को तोड़े, पर भावेश को कोई आइडिया नहीं आता। भावेश तुरंत अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम इस लॉक को एनालाइज करके इसे खोल सकते हो? सिस्टम तुरंत उसे एनालाइज करता है और फिर उसका नोटिफिकेशन आता है, होस्ट इस लॉक को खोलना नामुमकिन है, इसके लिए जरूरी लेवल नहीं है। भावेश इतनी दूर तक आ चुका है पर अब यहाँ से वापस जाना उसे गवारा नहीं है। वो दरवाजे पर गुस्से से हाथ मारता है, तभी वो देखता है कि वो दरवाजा सॉलिड स्टील से बना हुआ है। भावेश को तुरंत ही एक आइडिया आता है और वो उस दरवाजे पर हाथ रखकर अपनी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर भावेश की पावर काम नहीं आती। भावेश दोनों हाथ रखता है और फिर से पूरा जोर लगाकर पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी ऑफिसर्स उस टावर पर एक्सप्लोसिव लगाने के बाद वहां से दूर हट जाते हैं और 10 के काउंटडाउन के साथ उस टावर को ब्लास्ट कर देते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो टावर नीचे गिर जाता है और सारी वायर्स टूट जाती हैं। चारों ओर तेज बिजली चमकती है और कई सारे तार गिरकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं। फिर तुरंत ही सब उन कुत्तों की ओर देखते हैं। इंस्पेक्टर धीरज को उम्मीद थी कि इस टावर के गिरते ही शायद वो सारे कुत्ते शांत हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। वो कुत्ते और भी ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं और ऑफिसर्स की गाड़ियों पर चढ़कर शोर करते हैं और आसपास के और भी कुत्तों को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर धीरज देखकर दंग रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर टावर तोड़ देने के बाद भी ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है।